नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः मैं अपने आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल रोजगार विद अंकित में। और आज मैं आपको यहां से थोड़ा सा यूपी स्पेशल जीके पर जब हम चल रहे थे उससे थोड़ा सा आपको और अच्छी अच्छी चीज़ों पर लेकर जा रहा हूं। यानी कि आप समझ लीजिएगा कि आगाज हो चुका है अब आपकी पढ़ाई का, आपके मिशन का, आपने जो जीवन में सपने देखे हैं उनको साकार करने का आगाज हम यहां से कर चुके हैं। यानी आज की क्लास के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा, जैसा कि आपको लग रहा होगा कि अभी तक उत्तर प्रदेश के जीके का मैप लगता था, आज वर्ल्ड मैप सामने आ गया है। इसका मतलब कुछ तो आज नया होगा और वह नया हम आपके लिए करने वाले हैं। यानी कि 15 अगस्त से आने वाली क्लासों को जो हम आरंभ करने वाले हैं उनकी शुरुआत आज हम यहां से करने वाले हैं। और मैं आज से आपको इतिहास की क्लास देना आरंभ करूंगा। यानी इतिहास मतलब हिस्ट्री, और हिस्ट्री अगर आपने मुझे सौंप दिया तो समझ लीजिएगा अब आपकी हिस्ट्री से आने वाला प्रश्न कोई बचने वाला नहीं है। अब इस तरह से आपकी तैयारी आगे चलाई जाएगी, और यह तैयारी सिर्फ हिस्ट्री के माध्यम से ही नहीं, हर उस विषय को यहां पर ध्यान में रखते हुए चलाई जाएगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा यहां पर कारगर सिद्ध होगा। यानी हम 15 अगस्त से आपको जो क्लास देंगे बहुत जबरदस्त तरीके से, यानी एक टेक्निकल तरीके से जो क्लास देने का तरीका होता है, और शिक्षा के स्तर को उठाना, यानी शिक्षा के स्तर को और इस ऑनलाइन के माध्यम से जो ऑनलाइन की क्रांति आई है उसमें सबसे आगे निकलने की कोशिश, उसमें आप सभी के लिए कुछ नया जबरदस्त और जोरदार करने की कोशिश के लिए हमने यहां पर इस मुहिम को यहां आगाज किया है। तब आप इतना जानिएगा कि हम जो 15 अगस्त से आपके लिए क्लास लेकर आ रहे हैं प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, आप उसमें कितनी उम्दा चीजों को जानेंगे थोड़ा सा विश्लेषण मैं आपके लिए कर देता हूं। सबसे पहले वह जो क्लास होंगी आपको इतने अच्छे अध्यापकों के माध्यम से दिलाई जाएंगी जिनका कोई भी पुरजोड़ तोड़ नहीं हो सकता, और उसके बाद आपको कितनी अच्छी तरीके से तैयारी करानी है वह सब आप हम पर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हम आपको एप्लीकेशन के माध्यम से इन क्लासों को देंगे, और एप्लीकेशन के अंदर कुछ खास बातें होंगी जो अभी तक आप YouTube पर नहीं पाते थे। यानी आपको सबसे पहले एप्लीकेशन पर जो टाइम टेबल दिया जाएगा वह टाइम टेबल आपके लिए उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको चलना होगा जो सफलता की कुंजी आपके लिए सिद्ध होगा। यानी जो टाइम टेबल आपको सर बनाकर देंगे उस टाइम टेबल के अनुसार आप मात्र 3 से 4 महीने, यानी जीवन में जितने भी आपको सुख भोगने हैं ना, इन 3 महीने के दुख के बाद आप वह सुख भोगना आरंभ कर देंगे। यानी उस एप्लीकेशन पर आपको निरंतर क्लास मिलेगी, और उस क्लास के बाद आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको सिर्फ क्लास को समझना होगा। क्लास को समझने के बाद अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जो भी हम आपको पढ़ाएंगे वह सभी आपको हम पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। तब आप सिर्फ क्लास लेंगे, क्लास लेने के बाद आपके पास नोट्स आ चुके होंगे एप्लीकेशन के माध्यम से, और नोट्स के बाद भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती। हम जो भी क्लास आपको आज जैसे ली उस क्लास के रिविजन के तौर पर कल हम उसी क्लास से संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन उस एप्लीकेशन पर दे रहे होंगे। वह एप्लीकेशन हमारे द्वारा खुद के द्वारा बनाए गए होंगे, यानी जो हमने पढ़ाया है उसी में से कौन कौन से प्रश्न आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, कौन कौन से प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कौन कौन से प्रश्न यहां पर आगे आने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी जो यहां पर विद्यार्थी जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वह यही होती है क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तब हम क्लास में वह सॉलिड मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके अलावा अगर उसमें से भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम क्यूज के माध्यम से आपको अगली क्लास में देने का काम कर रहे होंगे। यानी आप समझ गए होंगे कितनी ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ों को हम लेकर आपके लिए आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या होने वाली हैं, कारगर सिद्ध होने वाली हैं। तब मैं आज आपसे बात कर लेता हूं थोड़ी अपनी बातों की। मैं आपको यहां पर इतिहास विषय पर अध्ययन कराने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मेरा नाम है सुशील जादौन, और आज आपके लिए इतिहास की पहली क्लास, और पहली क्लास मतलब जिसको इतिहास आता है वह भी इत्मीनान के साथ बैठ जाइएगा, और जिसको इतिहास नहीं आता है वह भी इत्मीनान के साथ बैठ जाइएगा, और समझ लीजिएगा कि अब इतिहास पर कोई भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। और इतिहास को पढ़ने का तरीका
इतिहास में होने वाली गलती, यानी आप क्या गलती करते हो इतिहास को पढ़ते समय, और उसके अलावा भी आपको इतिहास में डेट कैसे याद करनी है, कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है, इन सभी चीज़ों को मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तब इतना ज़रूर जान लीजिएगा कि इतिहास आपने जो आज तक पढ़ा है, आपने चाहे वह ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा हो, चाहे आपने किसी एकेडमिक पढ़ाई में वह इतिहास पढ़ा हो, जो आपने 10th 12th या ग्रेजुएशन में इतिहास पढ़ा है, उस इतिहास का यहाँ पर कोई संबंध नहीं रहने वाला है। संबंध से मतलब है कि उसके पढ़ने का तरीका और हमारे पढ़ने का तरीका एकदम से डिफरेंट हो जाएगा। हम कुछ चीज़ों को इतनी सरल भाषा में बता रहे होंगे और एग्जाम से संबंधित चीज़ों पर बात कर रहे होंगे, जबकि आप वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ ज़्यादा भी जान जाते हैं। तो इतना बहुत ज़रूरी जान लीजिएगा कि इतिहास आपको अगर पढ़ना है तो थोड़ा सा आपको मेरे साथ बनना होगा। प्यारे दोस्तों, इतिहास पढ़ने से पहले आप यह जानिएगा कि इतिहास जो व्यक्ति पढ़ता है, उस व्यक्ति ने अगर कॉन्सेप्ट के साथ इतिहास पढ़ा है, मतलब अगर कोई व्यक्ति कॉन्सेप्ट साथ के साथ क्लियर करता जा रहा है और इतिहास की क्लास लेता जा रहा है, तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति से जिसने सिर्फ फैक्ट्स याद किए हैं उससे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा। आप इस तरह समझ लीजिएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर इतिहास पढ़ता है और इतिहास पढ़ने के साथ साथ सिर्फ फैक्ट ध्यान में रखता है, वह व्यक्ति अगर 10 प्रश्न पूछे जाते हैं तो फैक्ट याद करने वाला व्यक्ति 10 में से 5 से 6 प्रश्न हमेशा कर पाता है। यानी 5 से 6 प्रश्न जिसने फैक्टों को याद किया है, वह व्यक्ति 5 से 6 प्रश्न अटेम्प्ट कर पाता है। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पर फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट को रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करता है, वह व्यक्ति यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या 10 में से 8 से 9 और 10 तक भी ले जा सकता है, जिसने कॉन्सेप्ट और फैक्ट के साथ पढ़ाई की है। और हमारा यहाँ पर टारगेट सबसे पहले यही रहेगा कि हम फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और आज की क्लास से ही आप अंदाजा लगा लेंगे कि हाँ, पढ़ाने के साथ साथ कॉन्सेप्ट किस तरह क्लियर किया जाता है। आप सिर्फ बैठे रहिएगा, मेरी बातों को समझते रहिएगा, मैं सारी की सारी चीज़ें आपको लिखने के लिए दूंगा, फिर भी हो सके तो आप नोट करने की भी चेष्टा कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को आप लिख सकते हैं। लेकिन आप पहले देखिएगा आज की क्लास को कितनी बेहतरीन तरीके से हिस्ट्री पढ़ाने के और इस हिस्ट्री पढ़ने के नज़रिए में मैं तब्दील लाने की कोशिश करूँगा, और हम किस तरह से चीज़ों को आसान कर पा रहे होंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे बात कर लेता हूँ आज की क्लास के आरम्भ से पहले, कि सबसे पहले आपको हम यहां पर जो पढ़ने वाले होंगे इतिहास के बारे में बात करने वाले होंगे। इतिहास का मतलब की बात करें कि इतिहास क्या है, तो आप इतना समझ लीजिएगा कि हम इतिहास के अंदर पुरानी बातों को करते हैं। यानी कि इतिहास किसी भी जगह का हो सकता है, किसी देश का हो सकता है, किसी राष्ट्र का हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का इतिहास हो सकता है। तब इतना जानिएगा कि हमें इतिहास का मतलब कि हम अपनी पुरानी चीज़ों को पढ़ने का काम करते हैं। जब हम भारत के संदर्भ में इस इतिहास को पढ़ने की बात करते हैं, तो प्रमुख रूप से हम इस इतिहास को तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यह तीन भाग आप पा रहे होंगे, प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास और उसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास को। यानी तीनों के तीनों इतिहास आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तब आप इतना जानिएगा कि अगर यह तीन भागों में डिवाइड किया है, तो यह आपके पढ़ने के लिए नहीं किया गया है, आपकी आसानी के लिए नहीं किया गया है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन, बहुत सारे कारण रहे होंगे, इसलिए इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तब आप इतना समझिएगा कि अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं, तो प्राचीन इतिहास के अंदर आप यहाँ पर पाते हैं कि मुख्य रूप से जो हमारा प्राचीन इतिहास होता है, इस प्राचीन इतिहास के अंदर आप बहुत सारे प्राचीन इतिहासों यानी प्राचीन चीजों की बात कर रहे होते हैं। आप ऐसे समझिएगा कि इस प्राचीन इतिहास के अंदर आप सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे होते हैं, आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़ रहे होते हैं, आप भारत के अलावा भी मिस्र, मेसोपोटामिया आदि सभ्यताओं को भारत की सभ्यताओं के साथ रिलेट करके पढ़ने का काम करते हैं। आप इसमें वैदिक युद्ध को पढ़ेंगे, आप इसमें जानेंगे कितने हमारे वेद होते हैं, वेदांग होते हैं, उसके अलावा जितनी भी प्राचीन चीज़ें होंगी हम इसके अंदर पढ़ने का काम करते हैं।
उसके अलावा मध्यकालीन इतिहास के अंदर जब आप इसे 700 ईसा पूर्व से आरंभ करते हैं और 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु तक पढ़ने का काम करते हैं, तो इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा मुस्लिम आक्रमणकारियों को पढ़ते हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर आक्रमण करके किस तरह से भारत में शासन करने का काम किया, किस तरह से मुस्लिमों ने भारत में आके धर्म का प्रचार और प्रसार किया, लोगों को धर्म बदलने के लिए यहाँ पर क्या किया, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड किया। और उसके अलावा जब आप आधुनिक इतिहास में चले जाते हैं तो दरअसल इस आधुनिक इतिहास को हम गांधी युग के नाम से जान सकते हैं। दरअसल आपको भारत की आज़ादी की लड़ाई, अंग्रेजों के प्रति हमने कितना ज़्यादा यहाँ पर संघर्ष करके जीत को लिया, वह सब चीज़ें जो गांधी युग के इतिहास के बारे में आप जानेंगे, आप सभी इस भाग के अंदर पढ़ने का काम कर रहे होंगे। यह तीन भाग हैं और तीनों भागों को आपको बहुत आसानी से समझना है और किस तरह से। सबसे पहले एक समस्या हमारे सामने आती है और वह समस्या यही होती है कि ईसा पूर्व और ईसवी के बारे में आप थोड़ा सा बहुत ज्यादा असहज महसूस करते हैं। कहीं मैंने ईसा पूर्व लिखा है तो कहीं मैंने ईसवी लिखने का काम किया है। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस जगह पर हैं, मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, कुछ नहीं है, जरा समझिएगा आगे और पीछे का खेल क्या होता है। मान लीजिए अगर इस जगह पर ईसा मसीह का जन्मदिन हुआ यानी जन्म हुआ, तो हम कह सकते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के आज तक हम बात करें तो हम कहेंगे कि ईसा मसीह के जन्म से आज हम 2020 वर्ष आगे आ चुके हैं। यानी आज हम ईसा मसीह के जन्म के 2020 वर्ष आगे आ चुके हैं, तब हम लिख रहे होंगे 2020 ईस्वी। अगर इस ईसा मसीह के जन्म से अगर 2350 ईसा पूर्व कोई यहाँ पर सभ्यता रही होगी तो हम कह रहे होंगे कि ईसा मसीह के जन्म से 2350 ईसा पूर्व, यानी जन्म के बाद जो हम आज चल रहे हैं जब हम ईसवी लिखने का काम करेंगे। लेकिन अगर जन्म से हम पहले जाएंगे तो हम यहाँ पर ईसा पूर्व लिखने की बात करेंगे। इस शब्द को देखिएगा, पूर्व, पूर्व मतलब पहले, यहीं से याद रखेंगे कि ईसवी ईसा पूर्व कब लिखेंगे, जब जन्म से पहले की बात वह कर रहा होगा। तब आप इतना समझिएगा कि छोटी छोटी चीजें हैं। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर लगभग ईसा मसीह के जन्म से 326 ईसा पूर्व भारत में एक व्यक्ति ने क्या किया, आक्रमण किया, नाम क्या था, सिकंदर। लेकिन 326 से जब आप इस ईसा मसीह के जन्म के पास तक जाने का काम कर रहे होंगे तो आप कह रहे होंगे 325, 324, 323, यानी कि यहां तक आते आते आप ईसा मसीह के जन्म को पालेंगे, उसके बाद आगे बढ़ रहे होंगे 1, 2, 3 और 2020 तक पहुंचने का काम कर रहे होंगे। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। और अगर इतना समझ में आ गया है तो यह बेसिक सी चीज है, अभी तो हमने क्लास स्टार्ट भी नहीं की है, जरा समझने की कोशिश करते हैं और चीजों को। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब हमने इस पूरे के पूरे जो हमने इतिहास को तीन भागों में डिवाइड किया है, जरा और चीजों को जान लेते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। देखिए अगर एग्जामिनर किसी भी परीक्षा में मान लीजिए 10 प्रश्न आपसे पूछने की चेष्टा करता है, वह 10 प्रश्न आपसे पूछना चाहता है किसी भी परीक्षा में, मैं एवरेज बात कर रहा हूं, तब अगर 10 प्रश्न उसने पूछने की कोशिश की तो आप ध्यान रखेंगे कि वह एग्जामिनर कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इस आधुनिक इतिहास से पूछने का काम कर रहा होगा। यानी अगर 10 क्वेश्चन कुल किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो 5 से 6 प्रश्न कहाँ से पूछ गया होगा, आधुनिक इतिहास से, आधुनिक भारत के इतिहास से, गांधी युग से यह ज़्यादा चेष्टा कर रहा होगा उन 10 प्रश्नों में से प्रश्न बनाने की। अगर मैं मध्यकालीन इतिहास की बात करूं, भारत के मध्यकालीन इतिहास में जब यह चेष्टा करेगा तो आप यह कह सकते हैं कि लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछने की चेष्टा करेगा मध्यकालीन इतिहास से, यानी मुस्लिमों के आक्रमण से, अगर टोटल प्रश्नों की संख्या 10 रही हो। उसके अलावा अगर यह प्राचीन इतिहास से प्रश्न पूछने की चेष्टा करता है तो सिर्फ 2 से 3 प्रश्न पूछने की चेष्टा यहां पर एग्जामिनर करता है, अगर टोटल प्रश्नों की संख्या 10 रही है। अगर यह 10 से कम होगी तो आप इसी रेशो में इनको कम करने का काम कर रहे होंगे। तब
आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि सबसे पहले हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा आपके लिए जो पढ़ने के लिए है वह है 5 से 6 प्रश्नों को कवर करना। क्योंकि आप जब भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आप उसमें सबसे पहले उस चीज को पढ़िएगा जहां से प्रश्न ज्यादा आने की संभावना होती है। यानी प्रश्न ज्यादा जहां से आ रहे होंगे आप उस चीज को पहले पढ़िएगा। तब हम यहां पर आज जो स्टार्ट करेंगे वह इसी पोर्शन को स्टार्ट करने की चेष्टा मैं करता हूँ, यानी आधुनिक भारत के इतिहास को हम आज आरंभ करेंगे। और आधुनिक भारत के इतिहास को अगर आप स्टार्ट करने की बात करेंगे तो आपको यहां से जानना क्या होगा, सीखना क्या होगा, समझना क्या होगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं हर उस चीज पर बात करता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले अगर आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है और आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, और कुछ चीज़ों का ध्यान अगर यहाँ पर रखना है तो किस तरह से वह चीज़ आपके लिए आसान हो जाएंगी, ध्यान दीजिएगा। आधुनिक भारत का इतिहास आप सभी जानते हैं, हम कह सकते हैं कि इसका जो समय रहा होगा वह समय यहाँ पर रहा होगा यानी कि 1707 से लेकर और 1707 यानी ईसवी और 1707 से यह समय कब तक 1947 तक का समय रहा होगा, यह भी ईसवी होगा। यानी यह आधुनिक इतिहास आज आपको पढ़ना होगा जो आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा अपना अहम रोल रखता है। आधुनिक इतिहास को पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले हमें स्टार्ट क्या करना है। सबसे पहले हमें एकदम जीरो से बेसिक से अपनी क्लास को लेकर चलना है, जिन्हें कुछ नहीं आता उनके लिए भी और जिन्हें सब कुछ आता है उनके लिए भी। और अगर जिन्हें कुछ भी नहीं आता और जिन्हें सब कुछ आता है उनको अगर हम ध्यान में रखते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं तो हम आज आपको लेकर आते हैं कुछ अच्छी चीज़ों पर जहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं और आज तक आपने सिर्फ रटने का काम किया था। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आपने एक प्रश्न पढ़ा होगा कि भारत की खोज किसने की। यह प्रश्न बहुत आसान सा लगता है कि भारत की खोज किसने की। और जब भारत की खोज के बारे में आपसे बात करता है तो आप जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस प्रश्न की आंसर ना बता पाए कि भारत की खोज किसने की। आप सभी एक लाइन में आंसर देते हैं कि इसमें भारत की खोज करने का श्रेय वास्को डिगामा को जाता है, यानी वास्को डिगामा ने भारत की खोज की है, ऐसा सभी का मानना है। यह प्रश्न मुझसे भी कई लोग पूछते हैं, लेकिन जब यह प्रश्न मेरे सामने आता है तो मेरे दिमाग में तुरंत यहाँ पर आता है कि अगर भारत की खोज वास्को डिगामा ने की तो क्या उससे पहले भारत नहीं था। मतलब खोज उस चीज की हो सकती है जो नहीं हो, अस्तित्व में नहीं हो। तब अगर वास्को डिगामा ने भारत की खोज की है तो क्या भारत इससे पहले था ही नहीं, मतलब वास्को डिगामा ही इस भारत को लेकर आया, ऐसा तो हो नहीं सकता। जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और लाइन ड्रॉ करने के साथ साथ मैंने अभी आपको बताया ईसा मसीह का जन्म यहाँ पर हुआ, इधर जाएंगे तो 2020 ईस्वी बाद आ गए हैं, और जहाँ पर ध्यान देते हैं तो मैंने अभी आपसे कहा कि 2350 ईसा पूर्व, 2350 ईसा पूर्व क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है। आज हम आ चुके हैं कहाँ पर, 2020 में आ चुके हैं। और अगर 2020 में आ चुके हैं तो आप एक बात बताइएगा, आपने आज तक पढ़ा है कि यहाँ 1498 वह समय रहा है जब वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। यानी 1498 भारत की खोज वास्को डिगामा ने की 20 मई 1498 में, तब एक चीज बताइएगा कि 1498 से पहले यह छोटा सा वास्को डिगामा यूरोप का यात्री इस भारत की खोज कर रहा है तो क्या इससे पहले यूरोप के लोग भारत नहीं आते थे? अगर आते थे तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की? आइएगा मैं आपसे बात करता हूं। आप इतना जानते हैं कि भारत के अलावा जब हम विश्व की बात करते हैं तो विश्व में जो यहाँ पर इटली है, इटली में एक छोटा सा शहर है रोम, और रोम की जो महिला है वहाँ पर उल्लेख मिलता है कि रोम की महिला
भारत के रेशमी कपड़ों की दीवानी थी, यानी वह भारत के रेशमी कपड़े को मंगवाती थी भारत से, और रेशमी कपड़े को मंगाने के बाद यह भारत में सोना दिया करती थी। यह समय की बात करें तो 1498 से बहुत समय पहले की बात है। अगर रेशमी कपड़ा भारत से रोम जा रहा है तो सीधी सीधी बात है कि यूरोप वालों को भारत पता था, भारत को यूरोप पता था। आप ऐसे इस बात को सिद्ध नहीं कर सकते, मैं दूसरी तरीका से आपसे बात करता हूं। मैंने अभी आपसे कहा कि 326 ईसा पूर्व एक व्यक्ति भारत पर आक्रमण करता है जिसका नाम होता है अलेक्जेंडर यानी सिकंदर। सिकंदर कहां से आया था? मकदूनिया। कहां पर है? यूरोप। अगर आप ध्यान से देखें तो 1498 और 326 ईसा पूर्व के मध्य लगभग यहां पर आप पा रहे होंगे कि लगभग यहां पर हम कह सकते हैं कि 1700 साल का अंतर है। मतलब 326 ईसा पूर्व पहले आ गया था 1700 साल पहले और 1498 बाद आया 1700 साल बाद। मतलब सिकंदर अगर भारत पर आक्रमण 326 में करता है और यूरोप का व्यक्ति है सिकंदर, तो आप फिर यह कैसे कर सकते हैं कि इस व्यक्ति ने 1498 में आने के बाद हमारे यहाँ किसकी, भारत की खोज कर दी? आप यहां पर इस बात को बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि सिकंदर बहुत पहले वास्को डिगामा से भारत में आ चुका था और यह व्यक्ति भी यूरोप से था और वास्को डिगामा भी यूरोप से था। कुछ लोग यहां पर कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं है सर, इस वास्को डिगामा ने भारत के आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। तो मैं आपको एक और बात बता देता हूं, यहां पर एक व्यक्ति जो यह सिकंदर आया था, इस सिकंदर के साथ बहुत बड़ी सेना आई थी, और जो सिकंदर के साथ बहुत बड़ी सेना आई थी उसमें से अनिसन सिक्रेटस एक नाम का व्यक्ति था जो इस सिकंदर का कौन था, सेनापति था, और सेनापति कौन सा, नेवी कमांडर। और अगर अनिसन सिक्रेटस सिकंदर का सेनापति बन के आया है और नेवी कमांडर बन के आया है, तो आप मुझे एक बात बताइएगा, क्या नेवी का कमांडर अगर भारत आया है तो क्या जमीनी रास्ते से आया होगा या समुद्री रास्ते से आया होगा? आप सीधा कहेंगे समुद्री रास्ते से आया होगा। आप इस तरह कहिएगा कि इसका मतलब समुद्री मार्ग की भी यहां पर यूरोप वाले लोगों को पता था, समुद्री मार्ग की भी यह लोग पहले ही जानकारी ले चुके थे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और अगर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं तो आखिरकार हम क्यों आज तक कहते रहे कि इस व्यक्ति ने, वास्को डिगामा ने 1498 में भारत की खोज की? अगर इसने भारत की खोज नहीं की तो क्या किया था? मेरे साथ बने रहिएगा, हम थोड़ी सी बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ कितना इंटरेस्ट आता है आपको क्लास में, जरा मेरे साथ आने की कोशिश कीजिएगा और मेरे साथ सीखिएगा उन सब चीजों को जो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। दरअसल हम आज जो बात करने वाले हैं, प्रमुख रूप से हम बात करने वाले हैं कुछ यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन की। यानी जो यूरोप है, इस यूरोप की कुछ कंपनियां भारत में आने का काम करती हैं, और जो यूरोपीय कंपनी भारत में आ रही हैं, जरा उन पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यानी यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। अगर भारत में आगमन की बात करें तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन जो हुआ है वह प्रमुख रूप से किस तरह से हुआ है, इस बात पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। अगर आगमन की आप बात करते हैं कि यूरोपीय कंपनी भारत में किस तरह से आई, तो आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले जो यहाँ पर यूरोपीय कंपनी भारत में आने का काम करती है, वह कंपनी यहाँ पर आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी, सबसे पहले भारत में आए थे डियर पुर्तगाली। अभी मैं बहुत धीरे धीरे बात करूंगा, थोड़ा सा बने रहिएगा मेरे साथ, आपको खुद मजा आने लगेगा। थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया आपके माइंड में सेट कर दूं, फिर बहुत अच्छी चीजों पर चलेंगे। पुर्तगालियों के बाद हम कह सकते हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, और अगर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो हम किस तरह से आगे जानेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, कोई समस्या नहीं, और जैसे ही पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने के बाद अगली जो कंपनी भारत आती है वह होती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी।
यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आने का काम करती है। और जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है उसके बाद आते हैं हम सबके दुश्मन, हमारे यहाँ पर गुलामी की जंजीरियों में हमें जकड़ने वाले अंग्रेज या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज फिर आने का काम करते हैं। उसके बाद जो अगले नंबर पर कंपनियां भारत आ रही हैं, आप डेन कहें या डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां भारत आने का काम कर रही हैं। यानी तीन कंपनियों के बाद आप चौथी कंपनी भी जानेंगे यहां पर कौन सी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद अंतिम कंपनी जो आएगी वह आप कह सकते हैं कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आने का काम करती है। यानी अभी तक आपने सिर्फ इतना जाना कि जो भारत में कंपनियों का आगमन रहा है, सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आने का काम करती है। मैं भारत आगमन की बात कर रहा हूँ, लिखा है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आने का काम करती है। तब आपसे एक नंबर का प्रश्न बन जाता है और वह नंबर का प्रश्न क्या होता है कि भारत में आने वाली सबसे पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी है। आप कहेंगे कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई और यहीं से कोलंबस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब आप पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के आगमन को पढ़ेंगे। तो मैं आपका समय जाया नहीं करता हूं और आपको लेकर आता हूं सीधा सीधा इसी चीज पर कि अगर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई है तो इस पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आकर किस तरह से चीजों को बदला है और किस तरह से यह व्यक्ति भारत में आने का काम करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आप पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो देखिए जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि इसका उद्देश्य क्या रहा होगा। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पर भारत में आई है, यह किस उद्देश्य से भारत आई है, ध्यान रखिएगा। अगर इसके उद्देश्य पर कोई भी प्रश्न पूछता है तो मैं सीधा दो ही उद्देश्य इसके बताऊंगा। पहला उद्देश्य आप कहेंगे सर यह मसाले के व्यापार के लिए भारत आई थी, मतलब मसाले के लिए भारत आने का काम कर रही थी और मसालों की इनको जरूरत थी, मतलब पुर्तगाली भारत में मसाले के लिए आए थे। थोड़ी सी देर बनी रहिएगा, एक बेसिक सा आइडिया क्लियर कर दूं, बहुत जबरदस्त क्लास होगी, विश्वास मानिएगा। थोड़ा सा बेसिक मैं जानता हूं, सबको पता होगा यह बातें, लेकिन थोड़ा सा रुकिएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। अगर दूसरे इनके उद्देश्य की बात करें तो हम कह सकते हैं कि यह उद्देश्य इनका एक और भी था और वह उद्देश्य था भारत के लोगों को धर्म परिवर्तन कराना। मतलब धर्म परिवर्तन कराने के लिए यह यूरोपीय लोग, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ रही थी। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि पुर्तगाली भारत क्यों आए, आप दो ही बात बताएंगे, पहला मसाले के व्यापार के लिए, दूसरा धर्म परिवर्तन कराने के लिए। यह बात बिल्कुल सही होगी, दो इनके प्रमुख उद्देश्य हुआ करते थे, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब जरा बात करते हैं अपने इस पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी में कि सर आप एक बात बताइएगा, हमको पता है कि पुर्तगाली भारत में आए, पुर्तगाली मतलब कोलंबस भी वहीं से था, सॉरी यहां पर वास्को डी गामा भी वहीं से था, लेकिन आप एक बात बताओ यह पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी या वास्को डी गामा भारत क्यों आया। आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए तो समझ जाएगा अभी तक आप फैक्ट पर बात कर रहे थे कि कोलंबस ने यानी वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, लेकिन अब आप कॉन्सेप्ट पर आ गए हैं कि वास्को डी गामा भारत क्यों आया। और जब आप इस चीज पर सोचना शुरू करेंगे कि वास्को डी गामा भारत क्यों आया, समझ जाएगा आप कॉन्सेप्ट पर बात करने लग गए हैं। अब आपको यहाँ फैक्ट से काम नहीं चलेगा क्योंकि वास्को डी गामा भारत क्यों आया, अब आप कॉन्सेप्ट जनरेट करेंगे तो कॉन्सेप्ट से अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर दे पा रहे होंगे। आइएगा जरा देखते हैं कि आखिरकार हमारे इस देश के अंदर यह व्यक्ति यानी वास्को डी गामा क्यों आया। वास्को डी गामा क्यों आया, बस इस बात पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और यहां से देखिएगा कितनी मजेदार चीजों को आप सीख पाएंगे, कितनी अच्छी अच्छी चीजों को आप समझ पाएंगे। और अगर इन चीजों को आप समझ पाए तो समझिएगा आज की क्लास का बहुत ज्यादा मजेदार आपको सेशन आपको मिलना शुरू हो गया है। किस तरह से, सबसे पहले ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे बात करने वाला हूं यहां पर कुछ पुर्तगाली कंपनियों की, और पुर्तगाली कंपनियों की ही बात नहीं करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा धीरे धीरे कि अंग्रेज भी भारत क्यों आए थे। अंग्रेज भारत आने का मतलब कि डेनिश भी भारत क्यों आए थे, सब आज क्लियर कर दूंगा यह लोग भारत आ क्यों रहे थे, जरा ध्यान दीजिएगा।
सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखिएगा कि मैंने पहले ही कहा है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, ऐसा हम नहीं कह सकते। अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आज थोड़ा क्लियर करिएगा, वास्को डिगामा ने भारत की खोज की ऐसा क्यों नहीं कह सकते। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर आप मैप का थोड़ा सा आइडिया रखते हैं, तो मैं है कलर चेंज कर लेता हूँ, अगर आप मैप का थोड़ा सा आइडिया रखते हैं तो आप पा रहे होंगे कि जो हमारा यहाँ पर भारत है, यह हमारा भारत है, क्लियर है भारत। उसके अलावा आपको बिल्कुल भी आइडिया मैप का नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। देखिए, यह है उत्तर अमेरिका, क्या नाम है, उत्तर अमेरिका। यह है डियर दक्षिण अमेरिका, कोई समस्या नहीं, अगर यह उत्तर दिशा में है तो उत्तर अमेरिका, अगर यह नीचे है तो यह दक्षिण अमेरिका। उसके बाद यह जो एरिया है, यह जो महाद्वीप है, इसे आप कह सकते हैं अफ्रीका, कोई समस्या नहीं होगी, अफ्रीका। उसके अलावा जो यह क्षेत्र होता है, इसे आप कह सकते हैं एशिया, क्या एशिया, अगर यह एशिया है तो आप इस वाले क्षेत्र को यूरोप कहेंगे, लेकिन अगर यह एशिया के क्षेत्र को भी शामिल कर लेते हैं तो हम इसे यूरेशिया भी कह सकते हैं। मतलब यूरोप और एशिया के मिलने के साथ साथ इधर वाला जो क्षेत्र होता है यह दरअसल यूरोप कहलाता है, लेकिन एशिया भी इससे बिल्कुल मिला हुआ है, एकदम चिपका हुआ है, तब इसे आप यूरेशिया भी कहने का काम कर सकते हैं। अभी तक आपने सिर्फ महाद्वीपों के बारे में थोड़ा सा जाना, और सिर्फ इतना जाना कि इन सब में हमारा भारत कहाँ पर है, आपको सभी को पता होगा हमारा भारत यह रहा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, हुआ क्या है कि मैंने आपसे कहा कि यह जो यूरोप के लोग थे, जो यहाँ के लोग थे, यह भारत पहले भी आते थे, वास्को डिगामा से पहले भी यह लोग भारत आने का काम करते थे, लेकिन हुआ क्या कि यह लोग जब भारत आते थे तो यहां से भारत आने के दो तीन ही प्रमुख रास्ते हुआ करते थे, जो मैंने अभी यहां पर लकीर खींची है। आप कह सकते हैं कि यह लोग भारत आने का जो काम करते थे, या तो यह लोग मध्य एशिया होकर भारत आएंगे, अभी जो मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूं, यह चीज मैप थोड़ा बड़ा कर लेता हूं जिससे आपको बहुत ज्यादा चीजें समझ में आए। यानी अगर हम कहें कि जो लोग थे यह भारत आने का काम करते थे, तो यूरोप से यह लोग या तो मध्य एशिया होकर भारत आने का काम करेंगे, मतलब यह एक स्थल मार्ग था, स्थल मार्ग से भारत आते थे, और यहीं से आपने देखा होगा बहुत सारे लोग व्यापार भी करते थे। अगर इसके अलावा अगर आप भारत आना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं एक यह मार्ग हो सकता है, लेकिन यह जो मार्ग होगा, इस मार्ग में आपको आने के लिए एक समुद्री एरिया को भी कवर करना पड़ेगा, और जो समुद्री एरिया होगा वह कुछ इस तरह से होगा। मतलब हम कह सकते हैं या तो आप मध्य एशिया से भारत आएंगे उस समय, और अगर मध्य एशिया से भारत नहीं आना चाहते हैं तो दूसरी जगह हो सकती है जहां आप इस अरब सागर से होकर भारत आने की चेष्टा कर सकते हैं। मतलब या तो आप मध्य एशिया से भारत आ सकते हैं या अरब से भारत आ सकते हैं। एक और तीसरा रास्ता होता है, जहां पर एक छोटा सा रास्ता यहां से निकलता है, दरअसल यहां पर मिस्र आदि देश हैं। तो हम तीन रास्तों के बारे में प्राचीन काल में जानते थे कि भारत से आने के तीन रास्ते हो सकते हैं, पहला मध्य एशिया होकर, दूसरा जो यूरोपीय व्यक्ति आ रहे हैं कि अरब से होकर, अरब क्षेत्र जो है, या मिस्र होकर। यहां पर हम तीन जगह से भारत आने का काम कर सकते हैं। अब देखिएगा, जानिएगा और कॉन्सेप्ट समझिएगा कि आखिरकार हमको चीजों को, इस इतिहास को आसान कैसे बनाना है, कैसे चीजों को जानना है। हुआ क्या कि अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जो यहाँ वाला क्षेत्र था, तुर्की, ईरान, उज्बेकिस्तान आदि क्षेत्र का, यह जो क्षेत्र है इसके अंदर एक व्यक्ति का जन्म होता है, और जो यहाँ पर एक व्यक्ति का जन्म हुआ है, उस व्यक्ति को आप कह सकते हैं कि 570 ईसा पूर्व, 570 ईसा पूर्व यहाँ पर एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसे आप हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं। मतलब हजरत मोहम्मद साहब का यहाँ पर जन्म हुआ। अगर हजरत मोहम्मद साहब का 570 ईसा पूर्व में इस सऊदी अरब वाले क्षेत्र में यहाँ पर जन्म हुआ, तो जन्म होने के बाद किस तरह से चीजें बदलती चली गई, जरा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपको एक चीज याद रखनी है कि हाँ, यह तीन रास्ते पहले से थे भारत में, और तीन रास्ते के अलावा हुआ क्या कि 570 ईसा पूर्व में एक व्यक्ति का जन्म होता है, और यह व्यक्ति 570 ईसा पूर्व में जन्म लेने के बाद हम कहेंगे कि यहां पर कौन व्यक्ति थे, उनका नाम था हजरत मोहम्मद साहब। अगर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ है तो आप सभी जानते हैं कि कितनी चीजें यहां पर बदलेंगी। हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के बाद
570 में जन्म होने के बाद यह माना जाता है कि लगभग 610 ईस्वी पूर्व में इन हजरत मोहम्मद साहब को यहाँ पर क्या होने लगा, ज्ञान की प्राप्ति होने लगी। अगर ज्ञान प्राप्ति यहाँ पर हुई और ज्ञान प्राप्ति के समय हजरत मोहम्मद साहब ने किस तरह से चीज़ों को बदला कि 622 ईसा पूर्व में इन हजरत मोहम्मद साहब ने क्या करना शुरू किया कि इस वाले क्षेत्र के अंदर यहाँ पर अपने वर्चस्व को और ज़्यादा ज़बरदस्त बनाना शुरू किया। जैसे हजरत मोहम्मद साहब एक सम्मत चलाते हैं जैसे आप हिजरी सम्मत कहते हैं, और हजरत मोहम्मद साहब का सिर्फ उद्देश्य था कि यहाँ के लोगों को संपन्न करना। दरअसल बात यह थी कि हजरत मोहम्मद साहब का जो यह वाला क्षेत्र था यहाँ पर रेगिस्तान ही रेगिस्तान हुआ करता था, और रेगिस्तान ही रेगिस्तान होने का मतलब था कि एग्रीकल्चर कुछ अच्छा नहीं था, और अगर एग्रीकल्चर अच्छा नहीं था तो हम कह सकते हैं कि यह लोग गरीब लोग हुआ करते थे। अगर यह लोग गरीब हुआ करते थे तो हजरत मोहम्मद साहब ने यहाँ 622 आते आते एक हिजरी सम्मत चलाया, और हिजरी सम्मत चलाने के बाद यह मोहम्मद साहब ने यहाँ पर क्या किया कि मोहम्मद साहब एक हीरा नामक गुफा में गए, और हीरा नामक गुफा से कुछ समय बाद बाहर निकल कर आए, और बाहर निकलने के बाद आकर यह एक अपने हाथ में किताब दिखाते हैं जिसको आप कुरान कहते हैं, और कहते हैं कि फरिश्ता मेरे पास, जब मैं इस गुफा में बैठा था ध्यान कर रहा था तो मेरे पास फरिश्ता आया है, और फरिश्ता मुझे इस किताब को देकर गया है जिसका नाम है कुरान, और कुरान के यहां पर कुरान को इन्होंने बेस बनाकर यहां पर एक धर्म की स्थापना कर दी, इस्लाम धर्म की। और इस्लाम धर्म से भी बड़ी बात थी कि यह लोग जो जितने भी यहां पर रहा करते थे इन सभी लोगों को इस्लाम धर्म अपनाना आरंभ करवा दिया यहां पर मोहम्मद हजरत साहब ने। और जब इस्लाम धर्म यहाँ पर अपनाना शुरू कर दिया मोहम्मद हजरत साहब ने, तो यह धर्म इतना ज़्यादा लोकतांत्रिक था कि इस धर्म के अंदर कोई भी जाकर शामिल हो जाता था। अगर आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, आप इस्लाम धर्म धारण कर सकते हैं, और इस्लाम धर्म धारण करने के बाद आपकी सिर्फ एक पहचान होगी और वह होगी मुस्लिम। मतलब आप मुस्लिम बन जाएंगे, और मुस्लिम अगर आप बन जाएंगे तो मुस्लिम बनने के साथ साथ ही धीरे धीरे यहाँ पर मोहम्मद हजरत साहब ने इन मुस्लिमों में एक भाईचारा पैदा कर दिया, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, यानी मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई का भाईचारा पैदा हो गया, और यह धर्म बहुत जल्दी से बहुत ज़्यादा तीव्र गति से अपनी स्पीड को पकड़ने लगा, और बहुत ज़्यादा लोग इस मुस्लिम धर्म के अंदर यानी इस्लाम धर्म के अंदर जुड़ने लगे। जब बहुत सारे लोग इस इस्लाम धर्म के अंदर जुड़ने लगे तो धीरे धीरे हुआ क्या कि अब जो यहाँ का क्षेत्र हुआ करता था, यानी जो हमारा अरब का क्षेत्र हुआ करता था, इस अरब के क्षेत्र के अंदर अब मोहम्मद साहब ने क्या करना शुरू किया, मोहम्मद साहब ने इन लोगों को यहाँ से आगे बढ़ाना शुरू किया, और मोहम्मद साहब ने कहा कि अब आप इस क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह पर भी जाना आरंभ करो, और अपना दूसरी जगह पर जाने का जो तुम्हारा उद्देश्य होगा वह सिर्फ दो होंगे, एक लूट करना, दूसरा इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना। मतलब इन लोगों को आपने देखा बहुत गरीब लोग थे, रेगिस्तानी लोग थे, कबीलाई टाइप के लोग थे, और जब यह आगे बढ़ने शुरू किए क्योंकि यह बहुत बड़ा समूह बन गया, और अगर यह बहुत बड़ा समूह बन गया तो हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे इसी समूह ने यहाँ पर जब लूट पाट करनी शुरू कर दी तो जो व्यक्ति यूरोप से आते थे, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर, जो व्यक्ति यूरोप से आते थे उन यूरोप से आने वाले व्यक्तियों को यहाँ पर इन्होंने रोका, और रोक कर क्या लूटना आरंभ कर दिया। ध्यान रखेंगे कि इसमें जो प्रमुख हुआ करते थे, एक बात है यहाँ पर, प्रमुख थे चूलिया मुसलमान, यानी चूलिया मुसलमान, चूलिया के अलावा आप कह सकते हैं चट्टियार, जो चट्टियार मुसलमान थे, यह चूलिया और चट्टियार दो मुसलमान सबसे ज़्यादा लूट करने का काम करते थे इस क्षेत्र में। आप समझिएगा मेरी बात को कि जो व्यक्ति यूरोप से आ रहा था, वह व्यक्ति यूरोप से आने वाला जब वह व्यापार करने के लिए भारत आएगा, और व्यापार करने के लिए जब भारत आएगा और रास्ते में यह कबीलाई टाइप के लोग मिलेंगे तो इनको लूटने का काम करेंगे, तो क्या वह व्यक्ति उस रास्ते से दोबारा व्यापार करने के लिए भारत आएगा? कदापि नहीं आएगा। मतलब अब यूरोप के लोगों को इस तीनों के तीनों रास्तों से आने में बहुत समस्या होने लगी थी, क्योंकि इस जगह पर बहुत सारे लुटेरे टाइप के लोग पैदा हो गए थे। आप भी जानते हैं,
मैं यह बात इसलिए बता रहा हूँ, किसी को इस बात से दोहराए नहीं होना चाहिए और किसी को संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा काम है यहाँ पर पढ़ाना और जो सच्चाई है वह मैं आपको पढ़ा कर जाऊँगा। धीरे धीरे आप भी जानते हैं कि भारत में पहला व्यक्ति 712 ईस्वी में आया, मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ से? यहीं से तो आया था। भारत के अंदर महमूद गजनबी आया, यहीं से तो आया था। भारत के अंदर मोहम्मद गौरी आया, यहीं से तो आया था। और उनका सभी का उद्देश्य क्या था? क्या लूट करना उनका उद्देश्य नहीं था? क्या उनका धर्म का प्रसार करना यहाँ पर उद्देश्य नहीं था? आप सभी इस बात को जानते हैं। अगर इतना आप समझ पाए हैं कि चूलिया और चट्टार नाम के मुसलमान इस जगह पर बहुत ज़्यादा लूटपाट करने लगे, और जब लूटपाट करने लगे तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ कि जो यह क्षेत्र था, यहाँ पर तीन जो रास्ते मैंने अभी आपको बताए थे, वह तीनों के तीनों रास्ते बंद होने लगे भारत आने के, क्योंकि व्यक्ति व्यापार करने आ रहा है सर, और व्यापार करने आ रहा है तो रास्ते में लूट कर रहे हैं लोग, और जब लूट कर रहे हैं तो व्यक्ति अब व्यापार करने नहीं आएगा, क्योंकि तो सारा का सारा सामान उसका लूट लिया जाता था। अब देखिए हुआ क्या, अब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि आखिरकार वास्को डिगामा के बारे में हम इतनी चीजें जो कहते हैं उसके अंदर क्या संबंध रहा होगा। अगर वास्को डिगामा की हम थोड़ी सी बात करते हैं तो अब यूरोप के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा कि यूरोप के अंदर भौगोलिक स्थिति क्या रही थी। सबसे पहले आप एक बात जानिएगा कि यूरोप के अंदर अगर आप थोड़ी भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो यूरोप के अंदर जो भौगोलिक स्थिति है वह यहाँ पर समझेंगे। देखिए जो यूरोप के अंदर भौगोलिक स्थिति रही है, यह बात सबसे प्रमुख है कि यह जो क्षेत्र है यूरोप का, ध्यान रखेंगे, इस क्षेत्र के अंदर 8 से 9 महीने क्या पड़ती है, 8 से 9 महीने यहाँ पर ठंड पड़ती है, मतलब ठंड का काम होता है। और अगर 8 से 9 महीने यूरोप के इस क्षेत्र में ठंड पड़ती है तो आप इतना भी जानते हैं कि भारत के अंदर लगभग 5 से 6 महीने गर्मी या नॉर्मल मौसम रहने का काम करता है। अगर 8 से 9 महीने इस यूरोप के इस क्षेत्र में अगर ठंड पड़ती है तो आप एक बात बताएं कि यह लोग खाने में क्या प्रयोग करते होंगे, क्या सामान्य अनाज से या उस ठंड का मुकाबला कर पाएंगे, या कुछ और ठंड का सामना करने के लिए कुछ और इनका भोज्य पदार्थ रहा होगा। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर अगर यहाँ पर ठंडी इतनी ज़्यादा पड़ती है तो आप इनके लिए भोजन में एक चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, और वह क्या होगा, मांस का प्रयोग। मतलब यूरोप के लोग ज़्यादातर मांस का प्रयोग करते थे अपने खाने में, मतलब मांस खाया करते थे। और मेरे प्यारे दोस्तों, यह जब मांस हुआ करता था ना, इस मांस को टेस्टी बनाने के लिए मसालों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और मसाले में अगर आप कहें कि मसाले अगर टेस्टी बनाने के लिए सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा अहम रोल रखते हैं, तो मसालों में भी एक विशेष प्रकार की किस्म है जिसे आप काली मिर्च कहते हैं। मतलब काली मिर्च के अलावा आप अच्छा मीट नहीं बना सकते, ऐसा मानना है। मतलब काली मिर्च मीट बनाने में बहुत ज़्यादा अहम रोल रखती है, टेस्टी बनाने में। दूसरा, यूरोप के लोग जो इस मांस को रखते हैं, दरअसल मांस पर अगर मसाले का लेप लगा दिया जाए तो इस मांस को सुरक्षित 2 से 4 दिन तक रखा जा सकता है। मसाले के लेप में कभी भी मांस बिगड़ता नहीं है। तब आप दो चीज़ें समझ गए होंगे कि यूरोपवासी लोग जो थे जब इस रास्ते से भारत आते थे तो यह यहाँ से क्या मसाला ले जाते रहे थे। अब जब यह रास्ता बंद हो गया तो अब इन लोगों को इस मांस में टेस्ट आना खत्म हो गया, मतलब अब इनको टेस्ट ही नहीं लग रहा है क्योंकि मसाला नहीं है इनके पास। और अगर इनके पास मसाला नहीं है और इनको अगर टेस्ट नहीं आ रहा है तो टेस्ट आने के लिए इनको क्या चाहिए, सर मसाला चाहिए। और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा टेस्टी, सबसे ज़्यादा जोरदार मसाला कहाँ मिलता है, तो आप एक ही बात कहेंगे, सर यह है हमारा छोटा सा भारत और इसके यहाँ केरल में बहुत टेस्टी मसाला मिलने का काम करता है, मतलब मसाला सबसे अच्छा केरल में मिलता है। और अगर इन लोगों के लिए आप देखें कि मसाले की डिमांड कहाँ है, यूरोप में, मसाला सप्लाई कहाँ से होगा, भारत से। अगर डिमांड यूरोप में है और डिमांड यूरोप में होने के साथ सप्लाई भारत से होना है, तो क्या यूरोप वाले लोगों को अब मसाला लेने के लिए कोई और रास्ता खोजना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह रास्ता तो बंद कर चुके हैं मुस्लिम लोग। अब इन लोगों को कोई ना कोई रास्ते की खोज करनी ही पड़ेगी, और जब इन रास्तों की खोज अगर करनी पड़ेगी तो अब भारत का जो शासक रहा है, राजा रहा है, जिसका नाम है इमैनुअल, यहाँ पर लोगों को प्रेरित करता है और कहता है कि किसी तरह से आप भारत जाओ और भारत से मसाला लेकर आओ।
और भारत जाने के लिए इमैनुएल बहुत ज़्यादा लोगों को प्रेरित करता है। एक व्यक्ति है यूरोप का, और यूरोप के व्यक्ति जिसका नाम है हेनरी, वह व्यक्ति तो भारत की खोज के लिए ही कंपास की खोज कर देता है, जिसे आप दिशा सूचक यंत्र कहते हैं। आपको यहाँ पर एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा कि कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र की खोज किसने की, हेनरी, वह भी व्यक्ति यहीं से था। दरअसल इसके पीछे उद्देश्य था भारत की खोज करना, और भारत की अगर खोज किस तरह से एक नए रास्ते से भारत की खोज करना, इसलिए लोगों ने क्या कर दिया यहां पर, अब भारत की खोज करने के लिए यह यूरोप के लोग थरथराने लगे। अब भारत के लिए यह चाहते थे, भारत के लिए अब कोई नया रास्ता हमें खोजना होगा। जब धीरे धीरे आगे क्या हुआ कि यहां पर एक छोटा सा, आप कहेंगे छोटा सा देश पड़ता है, जिसे आप क्या कहेंगे, पुर्तगाल, यानी यह मैं लिख रहा हूं पुर्तगाल। पुर्तगाल जो यहाँ पर छोटा सा देश पड़ता है, इस छोटे से देश से जब मसाले की बहुत ज़्यादा तलब इन लोगों को रहने लगी, और मसाला इनको चाहिए ही चाहिए था, तो यहाँ से बहुत सारे लोग भारत की खोज में निकले। और वह इसलिए निकले थे क्योंकि वह सभी जानते थे कि दुनिया पूरी गोल है, और अगर दुनिया पूरी गोल है तो हम अगर यहाँ से चलना आरंभ करेंगे, और यहाँ से चलने के साथ साथ अगर हम पूरी दुनिया का ऐसे चक्कर लगाएंगे तो फिर से इसी स्थान पर आ जाएंगे। मतलब इनको इस बात की जानकारी थी, लेकिन ज़्यादा एडवांस जानकारी नहीं थी, अधूरी जानकारी थी, और यह दुनिया को गोल मानते थे, और भारत की खोज के लिए इसीलिए निकले कि अगर भारत नहीं मिलेगा तो हम घूमकर फिर इसी स्थान पर आ जाएंगे। धीरे धीरे लोग यहाँ से निकलना आरंभ हुए, और जब लोग यहाँ से धीरे धीरे निकलना आरंभ हुए, और निकलने के साथ साथ जब लोग आगे बढ़ने लगे, तो इस तरह से भारत की खोज के लिए लोग आगे आए, और कहाँ चले गए आज तक किसी को पता नहीं चला। बहुत सारे यात्री नाव ले लेकर इस समुद्री मार्ग से भारत की खोज के लिए निकले, और कहाँ गए किसी को आज तक पता नहीं चला। यह प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती रही, और जब बहुत लंबे समय तक यह प्रतिक्रिया चलती रही, तो उसके बाद क्या होता है कि इसी पुर्तगाल से अब एक व्यक्ति आज नाव लेकर निकला, और जब नाव लेकर एक व्यक्ति इस पुर्तगाल से निकला है, और पुर्तगाल से निकलने के बाद यह व्यक्ति कुछ इस तरह से आया है और यहाँ पर आकर रुक गया है। यानी इसको जमीनी एरिया जरूर दे गया कि हाँ मैं पानी में अभी तक बहुत लंबी दूरी तय करके आया था, अब कुछ जमीनी एरिया मुझे मिल गया है। दरअसल यह जो बात थी, यह बात थी यहाँ पर 1487 की, और 1487 में जो व्यक्ति यहाँ तक आया है पुर्तगाल से निकलकर, इस व्यक्ति का नाम है बार्थोलोम्यू डियाज, और बार्थोलोम्यू डियाज नाम का यह व्यक्ति जो है, यह व्यक्ति इस स्थान तक आता है, और इस स्थान तक आने के बाद यह यहीं पर रुक जाता है। और यह जो स्थान बार्थोलोम्यू डियाज ने खोजा है, इस स्थान तक भी अभी तक यूरोप के लोगों को या पुर्तगाल के लोगों को पता नहीं थी। तब इस स्थान का नाम आप कह सकते हैं, और इस स्थान के अगर नाम की बात करें तो आप इसे दो नामों से जानेंगे। पहला आप इसे कह सकते हैं यहाँ पर कैप ऑफ गुड होप, यानी आप इसे कहेंगे कैप ऑफ गुड होप। कौन सा स्थान है? कैप ऑफ गुड होप। अगर यह कैप ऑफ गुड ऑफ नामक स्थान है, तो यहाँ पर एक बात समझ में आ गई है कि बार्थोलोम्यू डियाज भारत की खोज में एक नई जगह की खोज कर गया 1487 में, जिसे आप कैप ऑफ गुड होप कहते हैं। दरअसल इसको एक और नाम दे सकते हैं, और इसे दूसरा नाम जो आप देंगे मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको दूसरा नाम आप कह सकते हैं उपता मासा अंतरीप भी दरअसल इसी का नाम है। और उपता मासा अंतरीप कहें या कैप ऑफ गुड होप कहें, दोनों ही एक ही बात है, जिसकी खोज किसने की है, बार्थोलोम्यू डियाज ने की है। इसको बार्थोलोम्यू डियाज ने तूफानों का स्थान कहा, तूफानी स्थान कहकर इस स्थान को पुकारा। यहाँ पर यह तो तूफान बहुत आते थे पानी के अंदर, और तूफानी स्थान भी इसे यहाँ पर कहा। लेकिन वास्को यहाँ पर बार्थोलोम्यू डियाज इससे आगे का सफर तय ना कर सका, और जब आगे का सफर ना तय कर सका, तो यह बार्थोलोम्यू डियाज कुछ समय ही बाद इस स्थान से वापस अपने देश पुर्तगाल लौट गया। आप इसको नोट करिएगा, अगर मैंने लिखा है 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज ने कैप ऑफ गुड होप या उपता मासा अंतरीप की खोज की, तो यह आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए। वैसे मैं आपको सारी चीज़ें नोट्स यहाँ पर दूंगा, लेकिन फिर भी आपको बहुत अच्छी क्लास समझ में आ रही होगी, और अब किस तरह से इंटरेस्ट बनता है हिस्ट्री में, जरा आगे ध्यान देते हैं।
वार्तोलोमोडियास आसानी से इस स्थान तक पहुंच चुका था, और इस स्थान तक पहुंचने के बाद वार्तोलोमोडियास वापस भी जा चुका था, लेकिन उसे किसी भी तरह की किसी जगह का अभी तक भारत की खोज यह व्यक्ति नहीं कर पाया। लेकिन इसी बीच हुआ क्या कि इसी बीच एक और व्यक्ति जो इस पुर्तगाल के बराबर से ही यहाँ पर एक पड़ता है स्थान जिसका नाम है स्पेन, यानी अगर 1487 में वार्तोलोमोडियास यहाँ पहुंचा था तो हम कहेंगे कि स्पेन से एक नाविक भारत की खोज में निकलता है, और उसे भी यही अधूरी जानकारी कि पूरी दुनिया गोल है, अगर मैं यहाँ से निकलूंगा तो इस तरह आगे बढ़ूंगा तो धीरे धीरे पहुंचकर यहीं पर वापस आ जाऊंगा, यह भी व्यक्ति भारत की खोज में स्पेन से निकलता है। और स्पेन से निकलने के साथ साथ यह व्यक्ति जब इधर बढ़ने की कोशिश करता है तो आगे बढ़ने के साथ साथ यह व्यक्ति इस स्थान पर पहुँचने का काम करता है, और इसे बहुत लंबा समय लगता है स्पेन से इस स्थान तक पहुंचने में, और यह व्यक्ति इतना ज्यादा कमजोर, इसके नाविक ज्यादातर मर चुके थे, बहुत कुछ खत्म हो चुका था क्योंकि सारा का सारा रास्ता पानी में तय करना था। अब यह स्पेन से निकलने वाला नाविक इस जगह पर पहुंच जाता है, और इस जगह पर पहुंचने के साथ साथ ही यह जो समय रहा था मेरे प्यारे दोस्तों, इस समय की अगर बात करें तो यह समय था 1492 का, यानी 1492 में यह स्पेन का एक व्यक्ति, और स्पेन का भी व्यक्ति आप सभी इसका नाम सभी जानते हैं जिसका नाम था कोलंबस, यानी 1492 में स्पेन का यात्री स्पेन से यह कोलंबस निकला और भारत की खोज में इस तरफ बढ़ गया। लेकिन इसके नाविकों को जैसे ही इस स्थान पर पहुंचने के बाद जो जगह दिखाई दी, इसके नाविक जोर जोर से चिल्लाने लगे, कूदने लगे, उछलने लगे और कहने लगे हमने भारत की खोज कर ली। समय है 1492। दरअसल यह लोग जब भारत की खोज इसको समझने लगे, लेकिन जब वहाँ पर उतरे नाविक तो पाया कि यह तो भारतीय लोग जो थे वह तो हिंदी बोलते थे, यह तो कुछ और ही भाषा बोल रहे हैं, भारत के लोग तो काले हुआ करते थे, यह लोग तो बहुत गोरे हैं। अब इनको समझ में आ गया कि आखिरकार हुआ क्या, क्या हमने जो थोड़ा सा व्यापार बंद कर दिया है क्या उसी बीच भारत के लोग गोरे हो गए हैं। दरअसल वह व्यक्ति जो कोलंबस था वह भारत नहीं, वह कहाँ पहुँच गया था, अमेरिका पहुँच गया था। मतलब इस व्यक्ति ने इसी भारत की खोज के चक्कर में आज एक नए देश की खोज कर दी, नाम क्या था, अमेरिका। अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 में कर दी, और आपको यहाँ पर अब ध्यान रखना होगा कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने की यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, अभी हम बात करते हैं किस तरह से, इस बात को हम सटीक नहीं कह सकते। 1492 में जब स्पेन का, ध्यान रखिएगा एक एक प्रश्न पूछा गया है आपसे, बहुत बार पूछा है कि कोलंबस कहाँ का यात्री था, स्विट्जरलैंड जेनेवा से इसकी यानी कि जन्म माना जाता है, लेकिन नागरिकता स्पेन की है, और पूछा जाता है कि कोलंबस कहाँ का नागरिक था, आप कहेंगे स्पेन का नागरिक था कोलंबस। बात यह है कि अमेरिका की खोज जब इस कोलंबस नाम के व्यक्ति ने कर दी, अब हुआ क्या कि जब इन नाविकों ने देखा कि यहाँ पर लोगों को यह इंडियन इंडियन कहकर चिल्लाने लगे, इंडियन नाम भी दे दिया, यह दरअसल इनको भारतीय ही समझ रहे थे, जब इंडियन नाम दिया और भारतीय ही यह इन व्यक्तियों को समझ रहे थे, तो दरअसल ठंड का समय था और इन अमेरिका वाले लोगों की नाक आगे से लाल पड़ी हुई थी, और जब इनकी नाक लाल पड़ी हुई थी तो इन्होंने कहा कि यह तो गोरे लोग हैं और नाक इनकी लाल पड़ी हुई है। तब इन स्पेन के कोलंबस के यात्रियों ने इन अमेरिका वासियों को एक और नाम दिया और इन्हें कहा रेड इंडियन, या फिर आप इसे कह सकते हैं लाल इंडियन। मतलब इनके नाक को देखते ही हुए ही यहां पर रेड इंडियन या लाल इंडियन स्पेन के कोलंबस के नागरिकों ने इस अमेरिका के लोगों को एक नाम दे दिया। आज भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है रेड इंडियन कहां के नागरिक हैं, रेड इंडियन कहां पर पाए जाते हैं या लाल इंडियन कहां पर पाए जाते हैं, आप कहेंगे अमेरिका के अंदर, क्योंकि इन लोगों ने ही इन्हें नाम दे दिया था रेड इंडियन, क्योंकि ये तो भारतीय ही समझ रहे थे। अगर इतनी बात आपने जानी कि वार्तोलोमोडियास भारत की खोज के चक्कर में यहाँ कैप ऑफ गुड होप से वापस लौट गया, स्पेन का एक व्यक्ति यहाँ पर अमेरिका की खोज कर बैठा सिर्फ भारत के लिए एक नए मार्ग की खोज के लिए, लेकिन सफल कोई भी नहीं हो पाया। यानी कि अभी तक आपने जाना कि दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रही हैं, दोनों की दोनों डेट और दोनों की दोनों स्थान, और दोनों डेट दोनों स्थान, उसके अलावा जितनी भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, चाहे स्पेन का नागरिक कौन था कोलंबस, यह बात आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। आगे बात करते हैं
मैं सारा कुछ आपको पीडीएफ फॉर्म में दूंगा, सिर्फ नोट्स आपके सामने होने चाहिए उस समय, और क्लास आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हो जबरदस्त जोरदार तरीके से। अगर हिस्ट्री ना पढ़ा दूं तो कह दीजिएगा कि हाँ सर हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं आया। इंटरेस्ट ऐसा आएगा कि बार बार हिस्ट्री पढ़ने के लिए ही भागोगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने कहा कि ठीक है सर दो चीज़ों की खोज हो गई, उपता मासा अंतरिप की, और उपता मासा अंतरिप के अलावा जिसे आप क्या कहते हैं गैप ऑफ गुड होप कह सकते हैं, वार्थोलोमेडियास ने खोज कर दी। अब देखिए हुआ क्या, यह लोग शांत नहीं बैठने वाले थे, पुर्तगाल के लोग, इनको तो भारत से मसाला चाहिए ही चाहिए, मसाला इनको लेना ही लेना है। और जब मसाला चाहिए, मैं पहले कह चुका हूं कि इमैनुअल नाम का व्यक्ति यहां का राजा इनको बार बार प्रेरित कर रहा है कि भारत के लिए मसाला भारत से लेकर ही आना है, लेकर ही आना है। अब देखिए एक व्यक्ति और यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करता है और सोचता है कि क्यों ना हम भारत की खोज करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब यह व्यक्ति जो भारत की खोज के लिए आया है यहाँ तक तो सामान्य रूप से आता है, और सामान्य रूप का मतलब कि यहाँ पर बात तो लोमेडियाज पहले ही आ चुका था कैप ऑफ गुड होप तक। अब इससे आगे यह व्यक्ति बढ़ जाता है, और इससे आगे जैसे ही यह व्यक्ति बढ़ रहा होता है इसको नहीं पता कि भारत कहाँ है, और जब इसको भारत का नहीं पता तो माना जाता है एनसीईआरटी इस बात को लिखती है कि इसी बीच में यहाँ पर इस व्यक्ति की एक व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है, और यहाँ पर मुलाकात होने के साथ ही यह दोनों व्यक्ति वार्तालाप करते हैं, दोनों नाविक वार्तालाप करते हैं। और जब यह व्यक्ति पुर्तगाल से आया हुआ व्यक्ति बताता है यहाँ दूसरे को कि दरअसल मुझे भारत जाना है, मुझे भारत से मसाला लेना है, तो यह नाविक उसकी मदद करता है, और इस मदद करने के बाद यह दूसरा नाविक यहां से उस व्यक्ति को आगे ले जाता है और आगे ले जाकर भारत में पहुंचा देता है। यानी कि यह जो समय रहा है आप कह सकते हैं दो चीजों पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप एनसीईआरटी को मानते हैं तो आप कह सकते हैं सर 17 मई, देखिएगा थोड़ा सा यहां पर विवादास्पद है यह प्रश्न, अगर आप एनसीईआरटी को मानते हैं तो आप 17 मई कह सकते हैं, लेकिन अगर आपने नेट पर सर्च कर दिया तो कल को आके आप मुझे गलत यहां पर समझाओगे, और अगर आप नेट को मानते हैं तो आप कहेंगे 20 मई, यानी एनसीईआरटी के अनुसार 17 मई और विकिपीडिया के अनुसार 20 मई, और 20 मई का 1498 यहां पर क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो पुर्तगाल से निकला था यह भारत पहुंच गया, और इस व्यक्ति का ही नाम क्या था, वास्को डिगामा। यानी वास्को डिगामा आज भारत पहुंच गया, और डेट भी याद रखिएगा 17 मई या 20 मई 1498 को एक व्यक्ति भारत पहुंचा है। लेकिन यह व्यक्ति किसकी सहायता से बैठ पहुंचा है, किसी ना किसी ने इसकी मदद तो की है। यह व्यक्ति यहां से हो सकता है सीधा ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाता, यह व्यक्ति हो सकता है इंडोनेशिया के लिए निकल जाता, अगर यह बीच वाला व्यक्ति नहीं मिलता तो वास्को डिगामा भी शायद भारत नहीं पहुंच पाता। और जो बीच वाला व्यक्ति यहां पर भारत यहां पर वास्को डिगामा को मिला है, इसी व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, इस व्यक्ति को आप अब्दुल मानिक कहेंगे। कुछ किताबें इसे अब्दुल मानिक कहेंगी तो कुछ किताबें इसको अब्दुल मनिद के नाम से लिख रही होंगी, आप अब्दुल मानिक लिख लीजिएगा। और अब्दुल मानिक कौन है, अब्दुल मानिक वह व्यक्ति है जिसने कोलंबस को भारत आने में मदद की है, कोलंबस को भारत लेकर आया है यहाँ से आगे। तब आपसे प्रश्न अगर एग्जामिनर पूछना चाहेगा तो किसी तरह से घुमा देगा, प्रश्न पूछता है कि कोलंबस का पथ प्रदर्शक कौन था, मतलब रास्ता दिखाने वाला कौन होगा, अब्दुल मानिक। अगर एग्जामिनर और ज्यादा प्रश्न को कठिन करता है तो प्रश्न पूछता है कि यहां पर जो वास्को डिगामा है, इस वास्को डिगामा का नाविक कौन था, मतलब पूछना यही चाह रहा है अब्दुल मानिक, चाहे वह कहे कि वास्को डिगामा की भारत आने में मदद किस व्यक्ति ने की, अब्दुल मानिक। अगर वह कहे कि वास्को डिगामा को भारत ले आते समय वास्को डिगामा का नाविक कौन था, अब्दुल मानिक। अगर कहे कि भारत में जब वास्को डिगामा आया तो वास्को डिगामा का पथ प्रदर्शक कौन था, तो भी अब्दुल मानिक। प्रश्न तीन तरह से पूछा जा सकता है, और तीनों का तीनों आंसर क्या रहने वाला है, अब्दुल मानिक रहने वाला है। तब आप इतना जानिएगा, कई बार परीक्षा में यहां पर एक और प्रश्न पूछ लिया है, और प्रश्न यह पूछा जाता है कि जो वास्को डिगामा भारत आ रहा है, इस वास्को डिगामा के भारत आते समय जो यहां पर वास्को डिगामा एक जहाज का प्रयोग कर रहा है, उस जहाज का नाम आपसे पूछ लेता है। तो आप कहेंगे कि वास्को डिगामा जिस जहाज से भारत आया था उसका नाम है साओ गैब्रियल जहाज,
यानी वास्को डिगामा के जहाज का नाम साओ गैब्रियल जहाज हुआ करता था। लेकिन एसएससी ने यहाँ पर एक प्रश्न एक बार पूछा है और यह प्रश्न इसी तरह से पूछा है कि वास्को डिगामा के जहाज का नाम क्या था और वहां पर साओ गैब्रियल ऑप्शन में ही नहीं दिया। तब मैं आपको आगे के लिए बता देता हूं कि दरअसल कमीशन ने उस समय एक नए उत्तर को माना है और वह उत्तर है हेक्टर। यानी वास्को डिगामा जब साओ गैब्रियल ऑप्शन में नहीं था तब उसने हेक्टर नामक जहाज को इस वास्को डिगामा का जहाज माना है। लेकिन हेक्टर दरअसल यहां पर वास्को डिगामा का जहाज नहीं था, वास्को डिगामा के जहाज का नाम था साओ गैब्रियल। और जो हेक्टर था यह कैप्टन हॉकिंस के जहाज का नाम था, जो कैप्टन हॉकिंस आएगा उसके जहाज का नाम हेक्टर हुआ करता था। लेकिन एसएससी ने वहां पर ऑप्शन दिया ही नहीं है, तब आप कह सकते हैं कि साओ गैब्रियल नहीं मिला है, तो इसका मतलब कई बार कमीशन हेक्टर को मान चुका है, लेकिन राइट आंसर साओ गैब्रियल होगा। आपने इतना जाना कि वास्को डिगामा अब एक व्यक्ति की मदद से भारत पहुंच गया है, नाम क्या है, अब्दुल मानिक। और अब्दुल मानिक की मदद से जैसे ही यह वास्को डिगामा भारत पहुंचा है, डेट को थोड़ा सा याद रखिएगा, 1498 में यह व्यक्ति भारत पहुंचने का काम करता है। और जैसे ही यह व्यक्ति भारत पहुंचा, अब्दुल मानिक की सहायता से हुआ क्या कि जैसे ही यह व्यक्ति भारत पहुंचा, भारत पहुंचने के साथ ही यहाँ पर केरल के व्यक्ति थे और केरल के व्यक्ति को लगा कि हाँ, एक व्यापारी यहाँ यूरोप से हमारे देश आ रहा है और यूरोप से हमारे देश आने का मतलब है कि वह मसाले का व्यापार करना चाहता है। और अगर व्यक्ति मसाले का व्यापार करने के लिए भारत आ रहा है तो सीधी सीधी बात है कि आप भी समझते हैं कि भारत के व्यापारियों के लिए वह ग्राहक का काम करेगा, मतलब कस्टमर होगा। तब एक व्यक्ति इस वास्को डिगामा के स्वागत के लिए आगे बढ़ जाते हैं इस केरल में, और उन व्यक्ति का नाम याद रखेगा, उन व्यक्ति का नाम हम यहाँ पर रखते हैं जमोरिन। यानी आपसे प्रश्न पूछेगा कि वास्को डिगामा का स्वागत, जो वास्को डिगामा है यह दरअसल कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचता है केरल में, और कालीकट बंदरगाह जो है वह कहां पर है, आप कहेंगे केरल में अवस्थित है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि वास्को डिगामा जब केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां उनका स्वागत किस व्यक्ति ने कहा, तो आप कहेंगे कि केरल के एक व्यक्ति हैं जमोरिन, और जमोरिन वहां पर इस वास्को डिगामा का स्वागत करने का काम कर रहे हैं, वेलकम किया, माला डाली। माला क्यों डाल रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा मतलब था कि हमारा मसाला बेचेगा। और मसाला भी किस तरह, मैं अभी आगे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करूंगा, आप जानिएगा कि मसाला यहाँ पर खरीदने के लिए ही वास्को डिगामा आया था, और वास्को डिगामा ने वही किया कि यहाँ पर जमोरिन से बहुत सारा मसाला लिया, और मसाला लेने के बाद यह वास्को डिगामा वापस चला जाता है कहाँ, पुर्तगाल। लेकिन ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो वास्को डिगामा भारत आया है, इस भारत आने में वास्को डिगामा को लगभग 90 दिन लगे हैं, मतलब आने आने में 90 दिन, अगर आप जाने आने का कहेंगे तो लगभग 180 दिन, यानी कि लगभग हम कह सकते हैं 6 महीने तक वास्को डिगामा पुर्तगाल से भारत पहुंचने में लगा देता है। और यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि लगभग कितने दिन में यह व्यक्ति कहां पहुंचा, यहां भारत पहुंचने का काम करता है, 90 दिन अगर पहुंचने का, या व्यापार करके वापस चला जाता है तो 180 दिन, और लगभग 25,000 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करके यह वास्को डिगामा भारत पहुंचा था। तब अब मैं अपने प्रश्न पर आता हूं कि वास्को डिगामा ने क्या भारत की खोज की, आप ऐसा कह सकते हैं, कदापि नहीं कहेंगे। हम कह सकते हैं कि वास्को डिगामा ने भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। हम यह नहीं कह सकते कि समुद्री मार्ग की खोज की, हम कहेंगे कि इसने एक नए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने भारत में की है। उद्देश्य क्या था, मसाले का व्यापार करना। और अब यहां पर क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से वास्को डिगामा भारत आया है और किस तरह से इस व्यक्ति ने व्यापार करना आरंभ किया है, और व्यापार जो करना आरंभ किया है यहां पर किस तरह से, अब समझिएगा कि जब वास्को डिगामा इस मसाले को लेकर वापस अपने देश के लिए जा रहा है, तो देश के लिए जाते समय वास्को डिगामा वापस पहुंचा है अपने देश, और अपने देश जाकर जब इस मसाले को वास्को डिगामा यहां पर बेच रहा है, तो वास्को डिगामा ने जितने रुपए का वह मसाला खरीदा था उसका 60 गुना प्रॉफिट पाया। मतलब अगर 1 करोड़ रुपए का मसाला खरीद कर ले गया होगा तो 60 करोड़ रुपए का इसने वहां जाकर यह मसाला बेच दिया। आप जानते हैं 60 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब
अगर पूरा खर्चा भी निकाल दे आने जाने का 6 महीने का, और उसके अलावा भी सारे खर्चे निकाल दे, जब भी 60 गुना फायदा लिया वास्को डिगामा ने, और अगर 60 गुना वास्को डिगामा ने यहाँ पर फायदा लिया, तो अब आप मुझे एक बात बताइएगा कि 60 गुना फायदा लेने के बाद अब लोगों को, जो पुर्तगाल के लोग थे, अब उनको लगने लगा होगा कि पड़ोसी अमीर होता जा रहा है, पड़ोसी क्या पैसा आता जा रहा है। तब आप भी जानते हैं, अगर आपके पड़ोस में कोई ऐसे पैसे वाला होने लगे तो बहुत जल्दी आप उसके पीछे लग जाते हैं, पैसा आ कहाँ से रहा है, कोई 2 नंबर का काम तो नहीं है, कहीं उल्टा सीधा कोई पैसे की जगह तो नहीं है, जरा देखते हैं तो हैं कहीं हमें भी थोड़ा बहुत मिल जाए। उसी तरह पुर्तगाल के अंदर भी होने लगा, और पुर्तगाल के अंदर जब यही चीज होने लगी तो पुर्तगाल के अंदर से भी बहुत सारे लोग भारत आने की चेष्टा करने लगे। लेकिन ध्यान देंगे कि जब पुर्तगाल के अंदर जब 1498 में वास्को डी गामा भारत आ गया है, उसके बाद इस पुर्तगाल से अब जो 60 गुना फायदा यह व्यक्ति कमा चुका है, और 60 गुना मसाला यानी कि फायदा उठाने के बाद अब यह वास्को डी गामा बिल्कुल नहीं रुकेगा, एक बार फिर से वास्को डी गामा भारत के लिए मसाला खरीदने के लिए आता है। और अब जो वास्को डी गामा मसाला खरीदने के लिए आया है, यह दूसरी बार मसाला खरीदने के लिए आया है, और आप कहेंगे 1500 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत के लिए आया, और पुनः भारत आने कर यह फिर से मसाला खरीदता है, और फिर से मसाला लेकर वापस चला जाता है, और फिर वापस जाने के बाद यह फिर से इस मसाले को बेचने का काम करता है। अब आप समझ गए होंगे कि पुर्तगाल के लोगों को जब 2 बार व्यक्ति आ चुका है, अब पुर्तगाल के लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी हो चुकी होगी कि आखिरकार भारत के साथ व्यापार हमें करना कैसे है। तब आप इतना समझिएगा कि हम एक बात और यहाँ पर याद रखेंगे कि एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 1500 ईस्वी में भी एक व्यक्ति आया है, और जो 1500 ईस्वी में एक व्यक्ति आया है उसका नाम है पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। नाम क्या है? पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। यानी पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल नाम का जो यह व्यक्ति है, यह भी भारत आने का नाम काम करता है, और जब भारत आने का काम यह व्यक्ति करता है तो आप इतना जानिएगा कि पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल नाम का व्यक्ति भी 1500 में भारत आता है। उसके बाद 1502 में कौन? वास्को डी गामा पुनः भारत आने का काम करता है। तो आपने अभी तक 3 व्यक्ति जाने, बार्तोलोमे डियाज 1487 में भारत आया, उसके बाद 17 मई या 20 मई वास्को डी गामा भारत आया, उसके बाद आपने 1500 में पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल भारत आया, और जो पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल है यह 13 जहाजों के साथ भारत आया। कितने जहाजों के साथ? 13 जहाजों के साथ भारत आने का काम करता है पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। और फिर 1502 में क्या होता है? 1502 में वास्को डी गामा फिर से भारत आने का काम करता है। तो आपने 3 से 4 व्यक्तियों के बारे में अभी तक जाना है जो भारत यूरोप से आए हैं। जरा ध्यान दीजिएगा अब अगली चीज़ों पर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हुआ क्या कि धीरे धीरे इन लोगों को लगने लगा कि अब हमको यहाँ पर भारत के साथ व्यापार स्थापित करना ही होगा। किस तरह से? कि इन लोगों ने 1503 के अंदर, और 1503 के अंदर मतलब 1503 का वह समय रहा है जब इन लोगों ने भारत के अंदर अपनी पहली फैक्ट्री लगा दी, और 1503 में जो पुर्तगाली लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई है, दरअसल वह कोचीन में लगाई है, और कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने का काम यह पुर्तगाली करते हैं। तब आपसे पूछ सकता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1503 में लगाई। कहाँ? कोचीन यानी केरल में लगाने का काम किया, मतलब केरल में पहली फैक्ट्री स्थापित हो गई। अब हुआ क्या जानिएगा, यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था मेरे प्यारे दोस्तों, फैक्ट्री लग गई क्योंकि बहुत सारे भारत के लोग इन्हें सपोर्ट करने का काम कर रहे थे, बहुत सारे लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे थे कि आप भारत के साथ व्यापार करो। हुआ क्या मेरे दोस्तों, आगे यहाँ पर इतना समझिएगा कि आगे की कहानी को अगर थोड़ा सा समझते हैं, क्लास थोड़ी लंबी होती जा रही होगी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को अपनी कमर खस के तैयार हो चुका हूँ आपके एग्जामों के लिए, क्योंकि 1-2 दिन में फार्म आने शुरू हो जाएंगे, आ चुके होंगे। तब आप इतना समझिएगा कि आप भी क्लासों को लेना शुरू कर दीजिएगा, चाहे क्लास लंबी हो चाहे छोटी हो, इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, चीज़ों को समझते जाइएगा, प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। बस आपका प्रश्न छूटा तो समझिएगा आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए समस्या है, लेकिन प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, ऐसा हमारा टारगेट रहेगा। अभी तक जाना कि वास्को डी गामा के अलावा भी पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल 13 जहाजी बेड़ों के साथ भारत पहुंच चुका था। अगर इसके बाद
1503 में इन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में लगा दी थी। किसने? पुर्तगालियों ने। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, अभी पुर्तगाली भारत आए हैं, अंग्रेज भारत नहीं आए हैं। अभी उसी क्रम में हम पढ़ेंगे, अभी एक ही कंपनी चल रही है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ध्यान दीजिएगा, अब हुआ क्या कि जब यह लोग व्यापार करने के लिए जब भारत में आते थे, तो भारत में आते समय अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यह लोग कमाने लगे। अब हुआ क्या कि जो यहाँ के लोग थे, अब उनको पता चला कि इन यूरोप वासियों ने तो एक नया रास्ता खोज लिया है और भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं। जैसे ही इस बात का पता लगा, इन्होंने तुरंत अपनी सेना अरब सेना में लाकर खड़ी कर दी और कहा, हम तुम लोगों को भारत नहीं जाने देंगे। यानी भारत के लिए अब यह लोग व्यापार करने के लिए मना कर रहे हैं कि अगर आपको कोई भी सामान चाहिए तो हम आपको देंगे। दरअसल यह लोग यहाँ से थोड़ा बहुत मसाला ले जाकर बहुत महंगे रेटों में यूरोप में बेचा करते थे, तब इनका प्रॉफिट इस क्षेत्र के लोगों का यहाँ पर ख़त्म होता दिख रहा था। इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर इन लोगों को रोकना चाहा जो यूरोप से इस रास्ते से लोग आ रहे थे। अब क्या हुआ? अब हुआ यह है मेरे प्यारे दोस्तों कि यूरोप के लोग भी बड़े ही ज़्यादा हटी हो गए थे, अब उनकी भी बेसिक नीड हो चुकी थी, अब उनको मसाला चाहिए ही चाहिए। और जब उनको मसाला चाहिए तो मसाला की चाहत में अब इन लोगों ने क्या किया कि अब एक और व्यक्ति को इस बार भारत के लिए भेजा। और अब की बार जो व्यक्ति भारत आया है, वह ध्यान देंगे, इस पुर्तगाल से ऐसे होता हुआ अब की बार यह व्यक्ति भारत आया, लेकिन भारत में नहीं पहुंचा और यह अरब सागर में ही रुक गया। दरअसल हम बात करें तो यह व्यक्ति जो भारत में आ रहा है, यह व्यक्ति भारत में आएगा 1505 ईस्वी में। और अगर 1505 ईस्वी में यह व्यक्ति भारत आ रहा है, तो इस व्यक्ति के बारे में आप जानिएगा कि इस व्यक्ति का नाम है डी अल्मीडा। जो डी अल्मीडा नाम का व्यक्ति भारत आ रहा है, यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा खूबसूरत जबरदस्त स्मार्टनेस के साथ भारत के लिए आया है। क्योंकि आप जानते हैं, अब यह लोग भारत के लिए आगे नहीं पढ़ने दे रहे हैं, मिस्र के लोग और गुजरात के लोग और उसके अलावा भी यह अरब के लोग। हुआ क्या कि जब डी अल्मीडा भारत आया, तो अब की बार यहाँ पर पुर्तगाल के लोगों ने इस डी अल्मीडा को अपना गवर्नर बनाकर भेजा, वॉयसराय बनाकर भेजा। और अगर वॉयसराय और गवर्नर बनाकर भेजा, तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कौन व्यक्ति पुर्तगालियों का पहला था जो भारत में गवर्नर बन के आया? आप कहेंगे डी अल्मीडा। डी अल्मीडा पुर्तगाल से पहला व्यक्ति था जो भारत में गवर्नर बनकर आया। और गवर्नर बनकर आने के बाद 1505 में यह व्यक्ति आया, पहला गवर्नर था। इस व्यक्ति ने जब भारत के लिए पहुंचा, तो इस व्यक्ति ने अपने आप को यहीं पर रोक लिया, भारत में नहीं गया, अरब क्षेत्र में, यानी अरब सागर जो है भारत के बराबर में अरब सागर, इस अरब सागर में डी अल्मीडा ने अपने आप को रोक लिया। और रोकने के बाद यहाँ पर पहले देखा कि आखिरकार कंडीशन चल क्या रही है। इसने पाया कि यह लोग तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, जो मिस्र के लोग हैं, अरब के लोग हैं या और लोग हैं, यह तो व्यापार करने ही नहीं देंगे। तब इस व्यक्ति ने ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होगा और प्रश्न भी सबसे फेवरेट प्रश्न पुर्तगाली कंपनियों का यहीं से जनरेट होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। अब इसने यहीं पर जब अपने आप को रोक लिया और रोकने के बाद इन लोगों से कहा, देखिए मैं आपके साथ लड़ाई नहीं करना चाहता, आप सभी मेरे से मत लड़िएगा, ना ही मैं लड़ने के उद्देश्य से आया हूँ, आप मुझे इसी क्षेत्र में रहने दीजिएगा। दरअसल इस क्षेत्र में रहने की जो मांग डी अल्मीडा कर रहा है, वह एक नीति के माध्यम से कर रहा है। और इस नीति को ध्यान रखिएगा, इस नीति को कहा जाता है नीले पानी की नीति। नीले पानी की नीति, या आप इसे कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। प्रश्न यही पूछा जाता है कि भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले पानी की नीति किसने शुरू की? तो यह व्यक्ति पानी में रुक गया है ना, अरब सागर में, तो यही नीले पानी की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी, दोनों लिखिएगा। इंग्लिश में कई बार यह ब्लू वाटर पॉलिसी देता है या कई बार नीले पानी की नीति देता है। और इस नीले पानी की नीति का ही मतलब था शांत जल, यानी जल में शांति से व्यापार करना। यानी नीले पानी की नीति का क्या मतलब था कि पानी में शांति से व्यापार करना।
यानी इस बात को समझ होंगे कि शांति से व्यापार करना इस नीले पानी की यहाँ पर क्या थी, नीति थी। यानी ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले पानी की नीति डी अल्मीडा ने इस क्षेत्र में आरंभ कर दी। और जब डी अल्मीडा ने इस क्षेत्र में ब्लू वाटर पॉलिसी का आरंभ किया तो डी अल्मीडा गवर्नर बन के आया था, बहुत स्मार्ट व्यक्ति था, बहुत दिमाग रखता था, डायरेक्ट लड़ना नहीं चाहता था। धीरे धीरे इस व्यक्ति ने अपनी नेवी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर करना शुरू कर दिया, अपनी नेवी को एकत्रित करने लगा, यहाँ पर और जहाजों को बुलाने लगा। और धीरे धीरे जहाजों को बुलाने के लिए जब यहाँ पर इसने अपनी नेवी को बहुत ताकतवर कर लिया तो प्रश्न पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने, पुर्तगाली व्यक्ति ने नेवी को सर्वोच्चता प्रदान की, नेवी को सर्वोच्च स्तर पर भारत के अंदर आकर पहुंचाया। यह भी व्यक्ति कौन होगा, डी अल्मीडा ने ही नेवी को ताकतवर बनाया भारत में आकर। अब देखिए हुआ क्या कि जब इसने अपनी नेवी को ताकतवर बना लिया, अब इस व्यक्ति ने कहा मिस्र वाले लोगों से कि आ जाओ अब देखते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर अरब वाले लोगों से कहा कि आ जाओ दो दो हाथ कर लेते हैं। उसके बाद गुजरात के लोग भी नेवी लेकर पहुंच गए और तीनों यहाँ पर गुजरात वाले, मिस्र वाले और अरब वाले लोग इस डी अल्मीडा के सामने इस अरब सागर में बैठ जाते हैं। दरअसल बहुत डीप अगर जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि चोल का प्रथम युद्ध यहाँ पर हुआ। और जो चोल का प्रथम युद्ध हुआ यह 1508 में आरंभ हो गया। बहुत डीपली प्रश्न है, आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर डी अल्मीडा के साथ जो त्रिगुट यहाँ पर लड़ने का काम करता है उससे चोल का प्रथम युद्ध आप चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि डी अल्मीडा यहाँ पर इन तीन लोगों से लड़ा है। और माना यह जाता है कि डी अल्मीडा का पुत्र जो था इस चोल के प्रथम युद्ध में इसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, यानी डी अल्मीडा का पुत्र यहां पर मर जाता है। जैसे ही डी अल्मीडा का पुत्र यहाँ पर मरा, अब डी अल्मीडा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि ताकतवर बहुत था, बहुत ज़्यादा नेवी को अच्छा बना चुका था, लेकिन फिर भी किसी कारणवश इसका पुत्र जैसे ही मरा अब इसने फिर से एक युद्ध लड़ा जिसे आप चोल का दूसरा युद्ध कहोगे, यानी दूसरा युद्ध या दूसरा द्वितीय युद्ध कहा जाएगा। यानी अब इसने दूसरा युद्ध लड़ा और जैसे ही इस व्यक्ति ने अल्मीडा ने चोल का दूसरा युद्ध लड़ा, अब की बार इसने इन तीनों लोगों को यहाँ पर समुद्र में हरा दिया। और जो समुद्र में हराने का काम जो इस डी अल्मीडा ने किया है यह जरूर हुई हो तो आप नोट कर सकते हैं, अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको नोट्स दूंगा, आप समझिएगा सिर्फ। अब इस डी अल्मीडा का पुत्र जैसे ही मरा, इस व्यक्ति ने अगले बार में चोल के दूसरे युद्ध में यहाँ पर तीनों को हराया। और तीनों को हराने का मतलब था, दरअसल इसे कहा जाएगा त्रिगुट। और त्रिगुट को हराने का जो काम करेगा वह कौन कर रहा है, डी अल्मीडा। और इस त्रिगुट में कौन कौन थे इस बात को ध्यान रखिएगा। पहला हम कह सकते हैं कि सबसे पहले इसमें मिस्र की नेवी थी, प्लस इसके अंदर गुजरात की नेवी थी, और प्लस गुजरात मिस्र के अलावा इसके अंदर एक और नेवी लड़ रही थी जिसे आप अरब की नेवी कहेंगे। तो आपसे प्रश्न यह पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की, डी अल्मीडा ने। किस व्यक्ति ने ब्लू वाटर पॉलिसी के अलावा त्रिगुट को हराने का काम किया, आप कहेंगे डी अल्मीडा ने। त्रिगुट में कौन कौन शामिल थे, मिस्र की नेवी, गुजरात की नेवी और अरब की नेवी, यहाँ पर तीनों नेवी लड़ रही थी और अकेले डी अल्मीडा ने यहाँ पर धराशाही कर दिया तीनों नेवियों को। और जैसे ही तीनों नेवियों को धराशाही इस डी अल्मीडा ने किया तो आप अब मुझे बताइएगा, तीन की तीन नेवी जिनसे ताकतवर कोई भी नहीं था, अब इसने सब कुछ खत्म कर दिया, क्या अब कोई यहां पर और नजर उठा पाएगा इस डी अल्मीडा को रोकने के लिए या इस पुर्तगाली यात्रियों को रोकने के लिए। आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, जब तीन इतनी बड़ी सेनाओं को हरा दिया अब बचता कौन है, अब तो यहाँ पर कोई नहीं बचा। अब डी अल्मीडा ने अपनी शक्ति का प्रयोग करना शुरू किया और शक्ति का प्रयोग जैसे ही डी अल्मीडा ने करना शुरू किया, डी अल्मीडा क्या करता है समझिएगा। डी अल्मीडा ने भी तो पहले ही ताकतवर कर चुका था और इसने सभी लोगों को हरा भी दिया था, डी अल्मीडा अपने आप को यहाँ पर रोके हुए था। और अगर यहाँ पर रोके हुए था तो देखिए अब क्या करता है डी अल्मीडा ने। अब यहाँ से जो भी लोग व्यापार करने के लिए भारत की तरफ आते थे, चाहे वह यहाँ बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से आए, चाहे वह अरब सागर से आए, चाहे वह हिंद महासागर से आए,
भारत के आसपास का एरिया। अब डी अल्मीडा इन सभी के सभी लोगों को यहाँ पर लूटने लगा, मतलब अब ताकत का प्रयोग करके, अब अपने आप को शक्तिशाली बना के अब डी अल्मीडा इस समुद्र में ही लूटपाट करने लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका था समुद्र के अंदर डी अल्मीडा। जब डी अल्मीडा बहुत ज़्यादा ताकतवर हुआ, लोगों को लूटने लगा, तो देखिए लोगों ने इससे गुहार लगानी शुरू की कि आप ऐसा ना करिएगा, हमें व्यापार करने दीजिए इस समुद्र के अंदर। डी अल्मीडा ने कहा ठीक है, मैं आपको व्यापार करने दूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आपको व्यापार करना है तो मुझे यहाँ पर कर देना होगा। कर मतलब है कि यह कुछ व्यवस्था करता है, और व्यवस्था भी किस तरह से करता है जरा ध्यान दीजिएगा। डी अल्मीडा कहता है कि मैं तीन तरह की व्यवस्था करता हूँ। पहला, आप मुझे कार्ड दीजिएगा। कार्ड क्या है अभी बताता हूँ, आप मुझे कार्ड दीजिएगा, या आप मुझे आर्मेड दीजिएगा, आर्मेड दीजिएगा, या आप काफले का प्रयोग कीजिएगा, आप काफले का प्रयोग कीजिएगा। दरअसल डी अल्मीडा ने यहाँ पर तीन तरह की व्यवस्था की। कार्ड एक टैक्स है, और टैक्स का मतलब कि यह एक परमिट है, और परमिट का मतलब कि आप इस डी अल्मीडा को कुछ पैसे दे दीजिए, और पैसे देने के बाद आपको इस क्षेत्र में कोई लूटेगा नहीं। मतलब जब लूटता ही डी अल्मीडा था, उसके पास पैसा, कार्ड्स का मतलब यह एक नाम, परमिट का नाम दिया गया था, अब उसके पास कार्ड्स के माध्यम से पैसा आ गया, तो डी अल्मीडा उस व्यक्ति को क्यों लूटेगा। दूसरा, काफिला मतलब अब यह कहता था कि अगर आपको, हमको आप काफिले के अनुसार पैसा देते हो तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे, और ऐसे काफिले और आर्मेड और कार्ड्स नामक तीन व्यवस्था इन पुर्तगालियों ने की हैं, और डी अल्मीडा ने यहाँ पर खुद लूटता था, जो कार्ड्स दे देता था उसको पैसा दे देता था, उसको नहीं लूटता था, जो नहीं देता था उसी को लूट लेता था, और जो पैसा दे देता था उसका काफिले के अनुसार उसकी सुरक्षा करने का काम करता था। प्रश्न कई बार पूछा है कि यह आर्मेड, कार्ड या काफिला की व्यवस्था भारत में किसने की थी, आप कहेंगे पुर्तगालियों ने इस व्यवस्था को यहाँ आरंभ किया था। प्रश्न तो यहाँ से कई डियर बनते हैं, और जो प्रश्न बनते हैं जरा ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि डी अल्मीडा यहाँ पर जो वो करता था, लूटपाट करता था, लूटपाट करने के साथ साथ इस स्थान पर आप सभी जानते हैं जो यहाँ पर स्थान रहने वाला है, इस स्थान पर जहाँ पर बंगाल पड़ता है, पश्चिम बंगाल, उस जगह पर गंगा की एक वितरिका है, एक धारा है, जिसको आप हुगली नदी के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न यह पूछा गया है कि जो पुर्तगाली थे, इन पुर्तगालियों के लूट का केंद्र क्या था। तो आपसे अगर यह बात पूछी जाए कि पुर्तगाली जो थे, यह पुर्तगाली लूट कहां पर करते थे, यानी पुर्तगाली के लूट का केंद्र अगर आपसे पूछे, तो आप एक बात कहिएगा कि पुर्तगालियों के लूट का केंद्र हुगली नदी हुआ करता था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इतना ज़्यादा कि यहाँ तक यूपीएससी तक ने इस प्रश्न को पूछा है कि पुर्तगालियों का लूट का केंद्र कहाँ था, पुर्तगाली कहाँ पर लूट किया करते थे, हुगली नदी में पुर्तगाली लूट करने का काम किया करते थे, और जो कार्ड, आर्मेड और काफिला नामक चीज़, यानी कि परमिट को ले लेता था, पैसे दे देता था, उसको यहाँ पर क्या कोई भी ज़रूरत नहीं थी कि उसके साथ कोई लूट नहीं होती थी। यह प्रश्न जरूरी है, आपको आना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ तक तो ठीक था। जो डी अल्मीडा था, मैंने आपसे कहा कि डी अल्मीडा 1505 में आया था, और 1509 तक यह डी अल्मीडा रहने का काम करता है। लेकिन अब जब डी अल्मीडा 1505 से 1509 तक रहता है, तो देखिए 1509 के अंदर एक भारत में और व्यक्ति आता है, और जो 1509 में व्यक्ति आ रहा है, इस व्यक्ति का नाम है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क यानी 1509 में एक व्यक्ति आया है, और अब यह व्यक्ति जो अल्बुकर्क नाम का व्यक्ति है, यह भारत के अंदर सेकंड गवर्नर है। अभी तक पहला कौन था, आप कहेंगे डी अल्मीडा, अब दूसरा गवर्नर जो बनकर आया है वह अल्बुकर्क आया है, और यह गवर्नर कब रहेगा, 1509 से लेकर अब यह अल्बुकर्क 1515 तक भारत के अंदर पुर्तगालियों का गवर्नर रहेगा। यानी तीसरा व्यक्ति भारत में आया है अल्बुकर्क, और अल्बुकर्क अब यहाँ पर, यानी कि दूसरा गवर्नर आया है 1509 में, और 1509 से 1515 तक यह व्यक्ति क्या रहेगा, हम कहेंगे गवर्नर रहेगा।
थोड़ी सी शक्ति तो डी अल्मीडा दे ही चुका था इन पुर्तगालियों को, लूटपाट भी करता था, बहुत ज़्यादा ताकतवर इनको कर गया था। अब हुआ क्या कि जैसे ही यह अल्बुकर्क 1509 में भारत आता है, 1509 में भारत आने के साथ ही यह अल्बुकर्क नाम का व्यक्ति क्या करता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब अल्बुकर्क ने किया सिर्फ इतना कि अभी तक जितने भी लोग भारत में आते थे पुर्तगाली, वह अभी तक अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ध्यान से देखने के साथ आप एक बात समझ गए होंगे कि प्रमुख रूप से यह सभी के सभी लोग कहाँ तक सिर्फ केरल से व्यापार करते थे और केरल से व्यापार करके वापस लौट जाते थे। लेकिन यह व्यक्ति अल्बुकर्क जो था, यह पहला व्यक्ति है अब की बार यह अल्बुकर्क नाम का व्यक्ति यहाँ केरल में नहीं रुका, दबंग स्टाइल में सीधी एंट्री लेता है इस भारत में अंदर। कहता है जब ताकतवर हो चुके हैं तो क्या ना अंदर भारत के घुसे, अंदर से व्यापार करें। केरल से आते हो, 1503 में एक कोठी बनवाई है, उससे मसाला लेते हो और चले जाते हो। अंदर चलते हैं, जरा देखते तो हैं है क्या। जब अंदर यह व्यक्ति घुसा तो यह व्यक्ति दरअसल अंदर जाने के बाद पाता है कि भारत के अंदर दक्षिण भारत में एक व्यक्ति शासन कर रहा है, और जो व्यक्ति शासन कर रहा है उस व्यक्ति का नाम है कृष्णदेवराय। उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय नाम का व्यक्ति जो है, यह कृष्णदेवराय नाम का व्यक्ति भारत में, दक्षिण भारत में शासन करने का काम कर रहा है। और अगर यह व्यक्ति शासन करने का काम कर रहा है तो अल्बुकर्क इस व्यक्ति के पास जाता है और इस व्यक्ति से कहता है कि आप हमें इस भारत में व्यापार करने का परमिट दीजिए, हम पूरे भारत में व्यापार करना चाहते हैं। कृष्णदेवराय माना जाता है बहुत ताकतवर, बहुत ज़्यादा कुशल, नेतृत्व कुशल, रणनीति पूर्व व्यक्ति थे, और इनसे ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति आप जब इतिहास पढ़ाऊंगा इनके बारे में बताऊंगा। इन्होंने कई बुकें लिखी हैं, जैसे अमुक्त माल्या दादी, विठल दास का मंदिर इन्होंने बनवाया है, जम्बवती नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है, और अष्ट दिग्गज भी इनके दरबार में रहते थे। आप ऐसा समझिएगा कृष्णदेवराय की ताकत के बारे में कि बाबर अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में इस बात को लिखता है कि मैं जब भारत में आया तो मुझे भारत में सिर्फ दो ही व्यक्तियों से डर रहता था, एक दक्षिण भारत के कृष्णदेवराय और दूसरा राणा सांगा। तो जो कि बाबरी में बाबर ने इस बात को माना है कि मैं दो ही व्यक्तियों से डरा हूँ, या तो कृष्णदेवराय से या राणा सांगा से। और इसीलिए आप पढ़ेंगे जब मैं आपको आगे बताऊंगा कि किसी भी तरह मुगल कभी भी दक्षिण भारत की तरफ आक्रमण नहीं करते जब कृष्णदेवराय जब तक दक्षिण भारत में रहते हैं। अब अल्बुकर्क इनसे परमिशन मांग रहा है कि सर परमिशन दे दो। कृष्णदेवराय ने कहा भाग जा यहां से, तुझे कोई परमिशन मैं देने वाला नहीं हूं। क्योंकि कृष्णदेवराय घोड़ों के बहुत ज्यादा शौकीन थे, घोड़े पसंद करते थे, इनकी सेना में बहुत जबरदस्त घोड़े रहते थे। और आप बताएं सबसे ज्यादा फेमस घोड़े कहां के रहते हैं? अरबी घोड़े। अरब के घोड़े बहुत ज्यादा फेमस रहते थे, और अरबों को इन पुर्तगालियों ने अभी देखा था, डी अल्मीडा ने जबरदस्त कूटा था, यानी पुर्तगालियों के और अरब के लोगों को संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन कृष्णदेवराय के अरब के लोगों से संबंध अच्छे थे। इसलिए कृष्णदेवराय ने अल्बुकर्क को यहाँ पर क्या कर दिया? परमिशन देने से मना कर दिया। जब कृष्णदेवराय यहाँ पर परमिशन नहीं देते हैं इस अल्बुकर्क को, तो अल्बुकर्क कहता है कि कोई तो ऐसी जगह होगी जो कमजोर शासक जहाँ पर शासन कर रहा होगा। और जब कमजोर शासक के शासन की बात आई तो अल्बुकर्क पाता है कि इस स्थान पर एक जगह है जिसे आप कहते हैं गोवा। तो अल्बुकर्क ने पाया कि गोवा के अंदर एक व्यक्ति है जो इस समय शासन कर रहा है, और जो गोवा के अंदर जो व्यक्ति शासन कर रहा है उस व्यक्ति का नाम है आदिल शाह। यानी गोवा का आदिल शाह थोड़ा सा कमजोर है, इतना ज्यादा सशक्त शासक नहीं है। इस आदिल शाह के पास यह जाता है। दरअसल एक बात ध्यान रखिएगा, इस व्यक्ति का पूरा नाम याद रखिएगा, यूसुफ आदिल शाह। कई बुकों ने आज तक यह प्रश्न जब पूछा था तो आदिल शाह को ही ऑप्शन में देता था, लेकिन मैंने एक बुक को पढ़ा था उसमें सारे के सारे व्यक्तियों का नाम आदिल शाह दे रखे थे, सिर्फ आगे के शब्दों को बदल रखा था और पूछ रहा था कि अल्बुकर्क ने गोवा किससे सीना, और सभी के सभी ऑप्शन में आदिल शाह, लेकिन पूरा नाम यूसुफ आदिल शाह। प्रश्न आया है इसलिए मैंने क्लियर कर दिया है कि पूरा नाम लिखेगा, अधिकतर टीचर भी इसको आदिल शाह ही लिखाते हैं, लेकिन उस किताब ने जब इस प्रश्न को पूछा है तो याद हुआ हाया प्रश्न भी बच्चे गलत कर गए, क्योंकि आगे का नाम नहीं पता था, चारों ऑप्शन में आदिल शाह आ रहा था। यूसुफ आदिल शाह से यह अल्बुकर्क नाम का व्यक्ति क्या कहता है कि हम आपसे यह गोवा छीनेंगे, या तो राजी से दे दो या फिर हम आपसे गोवा छीनेंगे। और 1510
ईस्वी में इस अल्बुकर्क ने इस आदिल शाह से गोवा छीन लिया और गोवा अपने अधीन कर लिया। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा छीन लिया किससे? आदिल शाह से गोवा छीनने का काम किया, और गोवा छीनने के बाद अब गोवा पर अधिकार किसका हो गया? पुर्तगालियों का। अभी तक केरल तक ही संबंध रखते थे, अब गोवा तक यह व्यक्ति पहुंच गए। और गोवा में छीनने के बाद जब इन व्यक्तियों ने अपना यहां पर गोवा के अंदर भी सत्ता स्थापित करने की कोशिश की। जरा ध्यान दीजिएगा, गोवा को अधीन कब किया गया है? 1510 में। और कोई व्यक्ति बता सकता है कि गोवा कब आजाद होगा इन पुर्तगालियों से? गोवा कब भारत के संपूर्ण रूप से भारत में मिलेगा? गोवा आजाद कब होगा? इस यह प्रश्न बहुत ज्यादा अच्छा बन जाता है कि गोवा कब आजाद हुआ। आप कमेंट बॉक्स में जरा बताइएगा कि गोवा कब आजाद हुआ, यानी गोवा कब पूर्ण रूप से भारत में मिलाया गया, कब आजाद हुआ। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं तो आप समझिएगा बहुत मेधावी छात्र हैं, बहुत उच्च कोटि की शिक्षा आपके पास है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत से लोग इसका आंसर शायद बता रहे हैं, चलिए मैं आगे बात करता हूं। दरअसल गोवा जो यहां पर आजाद होगा, गोवा जो पूर्ण रूप से भारत में मिलाया जाएगा, 1961 में मिलाया जाएगा। भारत आजाद होने के बाद भी गोवा इन पुर्तगालियों के पास ही रहेगा, हम आगे इस पर बात करेंगे। तब 1510 से लेकर और 1961 तक गोवा किसके हाथ में रहा? पुर्तगालियों के हाथ में। तो प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत में आए और सबसे अंत तक भारत में रहे ऐसी कौन सी कंपनी थी? तो आप कहेंगे ऐसे पुर्तगाली ही कंपनी थी जो सबसे पहले भारत में आए और सबसे अंत तक रहे। यानी पुर्तगाली 1510 में इस गोवा को अधीन कर लेते हैं, उसके बाद डच आएंगे लेकिन गोवा इनके पास ही रहेगा, उसके बाद अंग्रेज आएंगे लेकिन गोवा इनके पास ही रहेगा, डेन आएंगे लेकिन गोवा इनके पास ही रहेगा, फ्रांसीसी आएंगे लेकिन गोवा इनके पास ही रहेगा, भारत आजाद हो जाएगा तब भी गोवा इनके पास ही रहेगा। तब हम कह सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले, इस बात को नोट करिएगा जो मैं बता रहा हूं, कि सबसे पहले आने वाले व्यक्ति, आने वाली कंपनी और सबसे अंत में जाने वाली व्यक्ति कौन सी है, तो वह कंपनी है पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी गोवा को यहां पर यूसुफ आदिल शाह से अल्बुकर्क छीन लेता है, और अल्बुकर्क जब यहां पर इस गोवा को छीन लेता है तो होता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, कि 1510 में छीनने के बाद अब अल्बुकर्क, मैंने पहले ही कहा है कि दबंग स्टाइल मेंटली लिया है, थोड़ा सा यह सटकीले माइंड का था, और सटकीले माइंड का था मतलब इसके पास ताकत थी। आप ऐसे समझिएगा जैसे यह जो अल्बुकर्क था, आप बॉलीवुड का राजपाल यादव समझ लीजिएगा। राजपाल यादव मतलब हाइट रिस्क की राजपाल यादव जैसी नहीं थी, लेकिन काम जरूर राजपाल यादव जैसे आरी मिलेगी क्या। तब आप इसको समझिएगा कि अल्बुकर्क जब भारत में पहुंचा, तो अल्बुकर्क भारत में पहुंचने के साथ क्या करता है? अल्बुकर्क सबसे पहले भारत के अंदर कुछ परिवर्तन कराने की कोशिश करता है, और प्रश्न बनता है क्या? सबसे पहले ध्यान देंगे कि भारत के अंदर पहली बार जो सती प्रथा चलती थी, इस सती प्रथा को रोकने का पहला प्रयास इस अल्बुकर्क नाम के व्यक्ति ने किया। यानी सती प्रथा आप सभी जानते हैं, राजा राममोहन राय के संघर्ष करने के बाद विलियम बेंटिक इस सती प्रथा को खत्म करेगा, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि सती प्रथा को खत्म करने का प्रयास पहला किसने किया, तो अल्बुकर्क ने किया। मैं कुछ अल्बुकर्क के काम लिख रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। उसके अलावा यह अल्बुकर्क जो था, प्रमुख रूप से क्या करता है कि जो भारतीय महिला थी ना, इन भारतीय महिलाओं को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, और प्रोत्साहित किस तरह से करता है, यह प्रोत्साहित करने का काम करता है और कहता है कि आप सिर्फ इतना कीजिएगा कि आप यूरोप के लोगों से शादी कीजिएगा। यानी यूरोप के लोगों से शादी करने के लिए प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है, भारतीय महिला को प्रोत्साहित करता है शादी के लिए। यानी शादी किससे? यूरोप के लोगों से यह क्या करता है, इन्हें प्रोत्साहित करता है। और जब यूरोप के लोगों को यह भारतीय महिलाओं के साथ शादी करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, तो सीधा सीधा मतलब था कि जब कोई भारतीय महिला यूरोप के व्यक्ति के साथ शादी कर लेगी तो उससे होने वाले बच्चे किस धर्म के होंगे, यहूदी धर्म के, ईसाई धर्म के। तब आप इस बात को समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं पुर्तगालियों का शादी कराने का मतलब सिर्फ धर्म परिवर्तन कराना है भारत के लोगों का। और आज भी आप जानते हैं केरल के अंदर, जो केरल है उसमें ज्यादातर लोग आज
भी इसी समुदाय के पाए जाते हैं। दरअसल कारण क्या था, हम कह सकते हैं कि कारण यही रहा था क्योंकि यह लोग यहाँ पर भारत के लोगों के साथ शादी कर चुके थे। अल्बुकर्क की अगर हम बात करते हैं तो अल्बुकर्क बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम यहाँ पर करने लगा था। दो काम प्रमुख हैं, सती प्रथा को पहली बार रोकने का प्रयास इस व्यक्ति ने किया, भारतीय महिलाओं को प्रोत्साहित किया शादी करने के लिए। उसके अलावा अल्बुकर्क क्या करता है कि अल्बुकर्क अपने आप को यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में बदलता है। तब आपसे प्रश्न पूछा यह भी गया है कि अल्बुकर्क के समकालीन कौन दक्षिण भारत में शासन कर रहा था। मैंने भी बताया कृष्णदेव राय, उन्होंने परमिशन भी नहीं दी थी। तो प्रश्न पूछा गया है कि अल्बुकर्क के समकालीन दक्षिण भारत में कौन शक्तिशाली शासक था, तो आप कहेंगे कृष्णदेव राय शक्तिशाली शासक हुआ करता था। आगे आते हैं और जरा जानते हैं किस तरह से। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अधिकतर लोगों को यहाँ पर जानकारी अधूरी होती है और वह जानकारी अधूरी आपको नहीं रखनी है। देखिए आप ध्यान रखेंगे कि जो 1524 होगा, इस 1524 में एक व्यक्ति अब फिर से आया है और उस व्यक्ति का नाम है वास्को डिगामा। आप कहेंगे तो पहले भी आ गया है, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि वास्को डिगामा पहले आ चुका था। वास्को डिगामा अब की बार फिर से आया है 1524 में, और अब की बार जो 1524 में वास्को डिगामा आया है, अब की बार यह व्यक्ति गवर्नर बन के आया है। मतलब गवर्नर बन के आया है, आप कह सकते हैं प्रश्न अगर पूछा जाए कि वास्को डिगामा भारत में गवर्नर बन के किस सन में आया, 1524 में वास्को डिगामा भारत में गवर्नर बन के आया। 1524 से 1519 तक भारत वास्को डिगामा भारत में गवर्नर पद पर रहेगा और यह व्यक्ति, मैं भी आगे बात करूंगा, बहुत ज़्यादा अच्छे काम करेगा। लेकिन अच्छे काम करने के साथ साथ कुछ उसकी बुरी दशा भी होंगी, आगे हम उस पर बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 1529 में एक व्यक्ति और आता है, और 1519 में जो व्यक्ति आता है इस व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। दरअसल 1519 से और 1538 तक यह व्यक्ति भारत में रहेगा, और 1538 तक जो भारत में रहेगा इस व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, इस व्यक्ति का नाम है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा नाम का व्यक्ति अब भारत में आया है 1529 में, और 1519 में आने के बाद नीनो डी कुन्हा भारत में गवर्नर बन के आता है। लेकिन इससे एक प्रश्न ध्यान रखिएगा कि अभी तक जो पुर्तगाली हुआ करते थे, इनकी जो राजधानी हुआ करती थी वह कोच्चि यानी केरल हुआ करती थी। यह नीनो डी कुन्हा उस राजधानी को उठाकर कहाँ ले जाता है, अब गोवा ले जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नीनो डी कुन्हा, यह आपसे पूछ रहा होगा प्रश्न कि कौन व्यक्ति ऐसा था जो पुर्तगालियों की राजधानी को उठाकर केरल से कहाँ गोवा लेकर चला गया। आप कहेंगे नीनो डी कुन्हा वह व्यक्ति था जो यहाँ पर इस राजधानी को उठाकर कहाँ लेकर गया था, गोवा लेकर गया था। और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है यह प्रश्न भी कि वास्को डिगामा कुल कितनी बार भारत आया। आप कहेंगे तीन बार, पहली बार 1498 में, दूसरी बार 1502 में, तीसरी बार 1524 में। अब ये बार क्या बन के, गवर्नर बन के भारत में आया था। आप क्लियर करेंगे, तीन बार वास्को डिगामा भारत में आया। उसके बाद नीनो डी कुन्हा भारत में गवर्नर रहेगा 1529 से 1538 तक। उसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस्को अल्ब्रेज नाम के व्यक्ति भी आएंगे जो 1542 में आएंगे, लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई भी प्रश्न आज तक किसी एग्जाम में बना है तो वह आज आपको कवर करा के जाऊँगा, और वह भी किस तरह, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। अब आपको सिर्फ करना एक काम है, आपको पुर्तगालियों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखनी है, और वह नॉलेज जो रखनी होगी किस तरह से रखनी होगी, जरा आगे बात करते हैं, समझिएगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो पुर्तगाली हैं, यह पुर्तगाली व्यक्ति क्या करते हैं। पुर्तगाली व्यक्ति सबसे पहले, एक प्रश्न यहाँ पर बनकर आता है 1661 का, 1661 का, और 1661 में एक रानी हुई है, पुर्तगाली रानी, जिसका नाम था कैथरीन, बिग्रेज कैथरीन नाम था वैसे तो इसका पूरा, कैथरीन नाम की रानी हुआ करती थी। और यह कैथरीन नाम की व्यक्ति यानी कि रानी, यह किसी से शादी करती है, और वह व्यक्ति अंग्रेज है, नाम क्या है, चार्ल्स सेकंड। यानी कैथरीन नाम की, यानी कि रानी बिग्रेज कैथरीन नाम की रानी 1661 में चार्ल्स सेकंड के साथ शादी करती है। और जब यह दोनों शादी करते हैं तो माना जाता है कि जो पुर्तगाली लोग थे, इन पुर्तगाली लोगों ने इनको दहेज में, यानी चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मुंबई दे दिया था। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
रानी पुर्तगाली, राजा अंग्रेज, दहेज हमारी मुंबई दे दी, मतलब इतने ज़्यादा यह अपनी शक्ति को यहाँ पर बढ़ा चुके थे। दहेज में क्या दिया इन्होंने, दहेज में मुंबई को देने का काम किया। तब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मुंबई को दहेज में किसने दिया, पुर्तगाली आंसर लगा देंगे। आपसे तब क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस महारानी की शादी में मुंबई को दहेज में दिया गया, आप रानी कैथरीन कह सकते हैं, यानी यह थोड़ी सी शादी ऐसी थी कि हम कहेंगे कि हाँ मुंबई दहेज में देने का काम किया। आप बाद में बाजीराव जो होगा, जो यहाँ पर बाजीराव लोग होंगे, वह इस मुंबई को सालसेट द्वीप को छुड़ाने का काम करेंगे, वह आप आगे जानेंगे। धीरे धीरे फिर कुछ लीज पर यह मुंबई वापस ले ली जाती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा और जान लीजिएगा, इसके अलावा जो पुर्तगालियों ने प्रमुख रूप से काम किए हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक पॉइंट लिखना होगा। आप पहले एक हेडिंग डालिएगा नोट, नोट के अलावा आप लिख सकते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य और पुर्तगालियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप जब महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या होंगे, जरा बात करते हैं। सबसे पहले तथ्य पर आते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के अंदर प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की, भारत के अंदर प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की। दरअसल आप समझिएगा, अभी देखिए शादी कराई है ना, शादी कैथरीन और चार्ल्स सेकंड की, अब शादी होगी डियर तो कार्ड तो छपवाने पड़ेंगे, अगर कार्ड छपवाने पड़ेंगे तो सर प्रिंटिंग प्रेस तो चाहिए चाहिए। तो आप ध्यान रखेंगे कि पुर्तगालियों के किए गए कामों में सबसे प्रमुख होता है, अगर अच्छे काम कोई रहे हैं तो इन्होंने गोवा के अंदर एक प्रिंटिंग प्रेस 1556 में लगवाई थी, और यही पूछा भी जाता है कि प्रिंटिंग प्रेस भारत में लेकर कौन आया। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कौन व्यक्ति थे, तो आप कहेंगे पुर्तगालियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आलू की खेती प्लस लाल मिर्च की खेती, देखिए काली मिर्च तो होती थी लेकिन लाल मिर्च की खेती कौन लेकर आया, पुर्तगाली। और आप कहेंगे मक्का, यानी मक्का की खेती। आप कहेंगे तंबाकू, तंबाकू की खेती, तंबाकू की खेती। उसके अलावा आप कह सकते हैं जहाज निर्माण फैक्ट्री, जहाज निर्माण फैक्ट्री। यह दरअसल पहले भारत में नहीं था, यह सभी काम कौन कर रहे थे, पुर्तगाली ही इन सभी कामों को करने का काम कर रहे थे। आप इतनी बात भी कह सकते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस के अलावा लाल मिर्च, उसके अलावा आलू, उसके अलावा मक्का, उसके अलावा तंबाकू, जहाज निर्माण फैक्ट्री भारत के अंदर अगर कोई लगाता है तो वह पुर्तगाली ही होते हैं, और बहुत अच्छी तरह से यह कुछ परिवर्तन भी भारत में करने का काम करते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट में ही इस बात को लिखिएगा, आपसे प्रश्न पूछता है और प्रश्न कई बार वह सीधा नहीं पूछ रहा, घुमाकर पूछ रहा है, कह रहा है वास्को डिगामा जो है, यह वास्को डिगामा इसका मकबरा कहां पर है, वास्को डिगामा का मकबरा। अब अगर आपसे वास्को डिगामा का मकबरा पूछता है तो क्या आप इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। आपसे पूछ सकता है दूसरा प्रश्न कि जो अल्बुकर्क भारत में आया, इस अल्बुकर्क नाम के व्यक्ति का मकबरा कहां पर है, अल्बुकर्क का मकबरा आपसे पूछ सकता है। अगर आपसे वास्को डिगामा का मकबरा पूछता है या अल्बुकर्क का मकबरा पूछता है, प्रमुख रूप से यह दो के ही मकबरे पूछेगा, या तो वास्को डिगामा के या फिर किसके, अल्बुकर्क के। ध्यान दीजिएगा, आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि वास्को डिगामा वहीं मरा जहां पर वो आया था, कहां आया था, केरल आया था। तो इस व्यक्ति का मकबरा कहां पर होगा, भारत के केरल में, क्योंकि यह प्रमुख दोनों इसलिए हैं क्योंकि दोनों ही की मृत्यु भारत में हुई है। अगर दोनों की मृत्यु भारत में हुई है तो प्रमुख इसलिए हो जाते हैं, इनके मकबरे कई बार पूछ लेता है। अल्बुकर्क का मकबरा, अल्बुकर्क वही मरा जिसको इसने छीना था, दोनों के दोनों याद हो जाने चाहिए। वास्को डिगामा वही मरा जहां पर वह आया था, केरल कालीकट बंदरगाह पर आया था। अल्बुकर्क वही मरा जो इसको उसने छीना था यूसुफ आदिल शाह से 1510 में, तो अल्बुकर्क वही मरने का काम करता है। आगे ध्यान देंगे, जो यहां पर और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है उन प्रश्नों की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। किस तरह से, देखिए आपसे प्रश्न पूछ लेता है कई बार कि भारत के अंदर एक कला थी जिसको आप एक नाम देंगे, उस कला का नाम है गोथिक कला। क्या नाम है, गोथिक कला। और यह गोथिक कला जो है
इस कला का मतलब है कि यह गोथिक कला कुछ नहीं थी, यह एक पद्धति है। और पद्धति क्या आप कह सकते हैं, घर आदि जो बनाते हैं उस सभी की पद्धति है, एक कला है। इस गोथिक कला को भारत में लेकर कौन आया, आप कहेंगे पुर्तगाली इस गोथिक कला को भारत में लेकर आए। यानी गोथिक कला भारत में किसकी देन है, तो आप निश्चित रूप से कह पा रहे होंगे कि सर गोथिक कला भारत में पुर्तगालियों की देन है, गोथिक कला यही लेकर आई। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ सकता है, मैं कंप्लीट ही अब इसको कराऊंगा क्योंकि आपकी क्लास, आपका समय अब स्टार्ट हो चुका है और समय अगर स्टार्ट हो चुका है तो हमको कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो पुर्तगाली लोग थे, यह पुर्तगाली लोग, पुर्तगालियों के पतन का कारण क्या था, पुर्तगाली के पतन का कारण क्या था। और जब पुर्तगालियों के पतन के कारण पर प्रश्न पूछता है, यानी यह लोग किस तरह से भारत में खत्म हो गए, इसके पीछे कारण क्या रहा था। जब पुर्तगालियों के पतन के पीछे कारण की बात करेगा तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण पुर्तगालियों के पतन का कारण था कि उन्होंने धर्म परिवर्तन कराना शुरू कर दिया था और धर्म में हस्तक्षेप भारतीय लोग कभी स्वीकार नहीं करते। आप भारतीय लोगों को कितना भी इमोशनल कर लीजिए, लेकिन अगर उनके भगवान के बारे में, उनके धर्म के बारे में अगर आपने एक भी शब्द बोल दिया तो भारतीय लोग कभी स्वीकार नहीं करते थे, ऐसा मानना था भारतीय लोगों का। तो धर्म परिवर्तन कराना शुरू कर दिया था, इसलिए यह पतन का कारण बना। दूसरा जो कारण बना था, दूसरा कारण इनका युद्ध बना था। और युद्ध कौन, आप ऐसे समझिएगा कि अगर आप मालामाल होते जा रहे हैं तो पड़ोसी जरूर आपको क्या करेगा, नोटिस करेगा। अब इनको 10 लोग नोटिस करने लगे थे और 10 लोग इनसे आकर युद्ध करेंगे और किस तरह से इन लोगों को भारत से भगाने का काम करेंगे। तो एक तो धर्म परिवर्तन इनके पतन का कारण बना था, दूसरा पतन का कारण बना था इनका युद्ध, और तीसरा हम कह सकते हैं युद्ध किसका, तो कहेंगे डचों का आगमन भी इनके पतन का कारण बना। डचों का आगमन इनके पतन का कारण बना। डियर, मैं अभी तक आपको जितना पढ़ा चुका हूँ, आप ऐसे समझिएगा कि अभी तक मैंने जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, उन सभी चीज़ों को आपने अगर ध्यान से पढ़ लिया है, एकदम ज़बरदस्त तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, तो मैं अब इस क्लास को समाप्त कर चुका हूँ, बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। और आज हमने सिर्फ इतना जाना है कि भारत के अंदर यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली कंपनी जो भारत में आई थी, वह पुर्तगाली कंपनी भारत के अंदर किस तरह से आई थी। डियर, आज के बाद कोई भी किताब इस दुनिया की उठा लीजिएगा, भारत की किताब उठा लीजिएगा और पुर्तगाली चैप्टर लगाना शुरू कर दीजिएगा इस पूरी क्लास को देखने के बाद, और पूरी क्लास देखने के बाद पुर्तगाली पूरा चैप्टर लगाइएगा। अगर यूपीएससी से लेकर सिपाही तक का कोई प्रश्न छूट जाए तो आप उस प्रश्न को कमेंट कर दीजिएगा कि सर यह प्रश्न आपने नहीं पढ़ाया, यह प्रश्न छूट चुका है। वह प्रश्न हो सकता है किसी कॉन्सेप्ट पर हो, कॉन्सेप्ट के अलावा वह प्रश्न बहुत ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करके बनाया गया हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता जो प्रश्न आपकी इस क्लास से छूटा हो। मैं जानता हूँ क्लास थोड़ी लंबी रही है, लेकिन जब मैं खड़े होकर एनर्जी के साथ पढ़ा सकता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या आप चेयर पर बैठकर अपने लिए नहीं पढ़ सकते। मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, आप अपने लिए नहीं पढ़ सकते, ऐसा तो हो नहीं सकता। तब आपके लिए बहुत शानदार जोरदार क्लास रही होगी, मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा दोस्तों आज की इस क्लास का, कि इतिहास में आपने पुर्तगालियों का आगमन पहली कंपनी को समझा है, कोई भी ऐसा प्रश्न बचा है, और मेरा तरीका कैसा लगा, कैसी यह क्लास लगी। बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो गई है मैं जानता हूँ, लेकिन इतनी भी लंबी नहीं हुई है, हमको तो लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना, तो छोटी रेसों को हम क्यों दौड़ेंगे, बड़ी रेस दौड़ेंगे। बहुत आसानी से चीज़ों को कराऊंगा, इस पूरी क्लास को मैं PDF के फॉर्म में आपको नोट्स दूंगा, नोट्स आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे, एप्लीकेशन बहुत जल्द आपके बीच में आ जाएगी, लगभग 10 तारीख के आसपास आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। एप्लीकेशन जो मिलेगी उस पर मैं इन सभी पूरी क्लास का क्विज दूंगा, 25 क्वेश्चन हो सकते हैं, 30 क्वेश्चन हो सकते हैं, जो बच्चा उस 30 के 30 क्वेश्चनों को लगा जाएगा, समझिएगा एग्जाम तो छोड़ेगा, अगर वह किसी पुर्तगाली विषय पर किसी डिबेट भी करेगा तो एक भी प्रश्न उसका नहीं जाएगा, और प्रश्न तो फिर बहुत दूर की बात है। यानी एप्लीकेशन बहुत जल्द आपको मिल जाएगी, इन पर क्यूज मिलेंगे, और क्यूज इस क्लास पर होगा, इस क्लास के नोट्स PDF में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। उसके अलावा भी अगर कोई आपकी क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे एक बार
प्रश्न पूछ लीजिएगा और इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। मैं आपका प्यार का मोहताज हूँ, मुझे आपका प्यार चाहिए और वही मेरे लिए सब कुछ है। तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसी तरह सहयोग बनाते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे दोस्तों।